जिन्होंने मुझे ये सुंदर मौका दिया आप सभी दिव्य आत्माओं के साथ मिलने के लिए और अपना अनुभव अब तक की इस रूहानी यात्रा का आपके साथ साझा कर पाऊं, इसके लिए बाप दादा ने मुझे मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा का। आप आत्माओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे अनुभव को सुनने के लिए, मेरी जो भी इस ज्ञान मार्ग की अभी तक की अनुभूतियां हैं उनको आप भी आप तक मैं पहुंचा सकूं, इसके लिए मैं सौभाग्यशाली हूं। तो इस ज्ञान मार्ग में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो मुझे ऐसे लगती है वो है परमात्मा के ज्ञान को समझना, और जो बाबा ने हमें सिखाया है उसको हम धीरे धीरे अपनी जिंदगी में जब हम उसको यूज करते जाते हैं तो अपने आप ही हमारे जो आंतरिक शक्तियां हैं वो इमर्ज होती जाती हैं। जैसे बाबा कहते हैं कि ये खेल ही इमर्ज और समर्ज का है, आपको विस्मृति हुई है जैसे, तो वैसे ही हम सभी भी वही परमात्मा की वानर सेना है, राम भगवान की वानर सेना है, परमात्मा शिव उनकी वानर सेना है, जिन्होंने अब अपनी उन्हीं शक्तियों को, आंतरिक शक्तियों को पहचान करके इस पूरे संसार को, इस लंका को पुनः स्वर्ग में कन्वर्ट करना है, परिवर्तित करना है। तो ये तभी होगा जब हम लोग खुद को पहचानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि आंतरिक शक्तियां वास्तव में मतलब क्या है, व्हाट आर इनर पावर्स, इनर पावर से हमारा अभिप्राय क्या है। तो इसका मैं अपनी जीवन से अनुभव आपसे शेयर करूंगी। जब मुझे 2011-12 में ही अवेकनिंग का पता चला, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज का, मैं आस्था चैनल पर ये प्रोग्राम देखने लगी, बिकॉज उस समय मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी और एकदम से लौकिक जीवन में पूरी तरह से व्यस्त, जैसे आजकल जो है मैक्सिमम लोग उसी में है, तो कोई अध्यात्म का कोई पता नहीं, ये क्या चीज है, कैसे इसको करते हैं, कोई पता नहीं। हालांकि मेरे युगल काफी मेडिटेशन करते थे, दो बच्चे थे छोटे छोटे, जॉब में थी ऑलरेडी, आई वॉज वर्किंग एज लेक्चरर इन जूलॉजी इन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, और लेकिन फिर भी अब सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई करना चाहती थी। कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का मैंने फॉर्म भरा था और अब मैं आगे IAS परस्यू करना चाहती, बिकॉज मेरे पास काफी समय था, मेरी उम्र उस समय 30 साल थी, 30-31 साल। तो मैं काफी बार जो है वो प्रिलिमिनरी क्वालिफाई कर लेती थी लेकिन मेंस मुझसे क्वालिफाई नहीं होता था, मेंस में बैठ ही नहीं पाती थी मैं वास्तव में। तो मुझे बहुत सारे मेरे कंटेम्प्ररीज, मेरे क्लासमेट्स मुझे बोलते थे कि तुझे देख करके हम लोग पढ़ते थे और हम लोग आज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, तो तुम्हें क्या है, तुम क्यों नहीं कर पाती हो ऐसा। तो एक आंतरिक द्वंद युद्ध जो है वो बहुत ज्यादा चलता था, समझ नहीं आता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें सब कुछ सिखाया जाता है, वी आर टॉट हाउ टू स्पीक, हाउ टू फेस द ऑडियंस, लाइक हाउ टू प्रिपेयर योर लेसन्स, हाउ टू डिलीवर अ लेसन, लेकिन हाउ टू थिंक ये हमें सिखाया नहीं जाता। और ये शिक्षा मुझे कहीं से और मिली नहीं थी, क्योंकि सभी मुझे बोलते थे आराम से करो, धीरे करो, ऐसे करो, लेकिन वो कैसे करे, किस तरह से, चिड़ो नहीं, गुस्सा मत करो, कैसे करे इसको, किस तरह से करे, नहीं आपको शांत रहना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, बहुत सारे लोग सजेशन देते थे, अपने घर वाले इवन मेरे युगल भी मुझे समझाते थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी उस बात की कि ये क्या चीज है, क्यों नहीं हो रहा है ये सब चीजें। और दूसरे लोग जब कर जाते थे उसको तो हमें लगता था कि अरे इसको तो सचमुच हम ये सब्जेक्ट पढ़ाया करते थे, इसको अंडरस्टैंडिंग दी है हमने इस चीज की, तो इसका हो गया और हमारा क्यों नहीं हुआ। अंततः 2011 में मैंने फिर से फॉर्म फिलअप किया, वो अंदर से जो एक जद्दोजहद चल रही थी, वो सिविल सर्विस को जैसे परस्यू करना एक मेरा जुनून जैसा बन चुका था, तो मैंने फिर से फॉर्म फिल किया, प्रिलिमिनरी तो क्वालिफाई हो गया, लेकिन मेंस में 8 पेपर्स होते हैं एक्चुअली। तो उसको मैंने जब फिर से उसको जब मैं करना चाहती थी तो फिर से मुझे वही नेगेटिविटी आने लग पड़ी, क्या थॉट्स मुझे आते थे, मैं नहीं कर पाऊंगी, होगा नहीं, मेरे पास तो बहुत समय कम होता है, मैं तो घर परिवार में हूँ, बच्चे हैं, जॉब है, पूरा घर परिवार है, सबको देखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, नहीं मेरे पास समय नहीं है, 2 साल तक लोग जो है वो इसकी प्रिपेयर करते हैं तब उनका क्वालिफाई होता है, मेरा कहाँ से होगा। लेकिन क्योंकि मैंने भर दिया था फॉर्म और मेंस के एग्जाम्स पास में ही थे,
एक दिन मैं इसी और बहुत ज्यादा एंजाइटी में रहती थी कि अरे कैसे पढ़ूं, इतना सिलेबस है कैसे कवर करूं, ये बहुत ज्यादा मुझे रहता था। तो एक दिन मेरे हस्बैंड आशा चैनल देख रहे थे और उस पर वो बहुत सारे स्पिरिचुअल प्रोग्राम देखते थे, हालांकि मेरा कोई इंटरेस्ट उसमें नहीं होता था। अचानक से एक प्रोग्राम आया 7:10 रात 7:10 जब हुए शाम के, तो उसमें था अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। मेरे हस्बैंड वो प्रोग्राम भी देखते थे लेकिन मैं नहीं देखती थी। उसमें जैसे बाबा ने खींचना हो अपने बच्चों को सत्य की ओर, तो ऐसे बाबा कहते हैं ना, आपकी जो सबसे मनपसंद चीज है उसके द्वारा आपको अपनी ओर लेकर के आता है कि आओ मैं बताता हूँ तुम्हें। एक जिद्दी बच्चे को कैसे एक पेरेंट करेगा, जैसे बच्चा दवाई नहीं खा रहा तो हम क्या करते, किसी मिठाई में डाल करके उसको खिलाते। तो वैसे ही बाबा ने जैसे मुझे ये एक तरह का लालच दिया कि देखो इसको सुनोगी ना, इसको ऐसे करोगी ना, तो तुम्हारा सिविल सर्विसेज क्वालिफाई हो जाएगा। तो मैंने अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज देखना शुरू किया और उसमें उसमें क्या टॉपिक चल रहा था, द पावर ऑफ थॉट्स, है ना। वो टॉपिक चल रहा था कि आप जो सोचते हैं वास्तव में वही आप अपने जीवन में इनवाइट कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं उसकी आप रचना कर रहे हैं। तो ये चीज मुझे पहले तो बहुत अटपटी लगी क्योंकि मैंने कभी ये थॉट पावर, संकल्प शक्ति क्या है, ऐसे क्या है, कहीं पढ़ा नहीं था, सुना नहीं था, क्योंकि लौकिक एजुकेशन में तो ये नहीं पढ़ाया जाता, हमारे स्कूल कॉलेजेस में सब पढ़ाया नहीं जाता। तो मुझे ऐसे थोड़ा अटपटा लगा क्योंकि अभी मेरे पास एक ही कंडीशन थी, या तो आर या पार, क्योंकि जुनून बन चुका था ये चीज। तो मैंने उस चीज को लिखना शुरू किया कि जैसे मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। तो उसमें जो थॉट पावर के बारे में जो चीज भी वो बताते गए, मैं उसको नोट डाउन करती गई और लिखती गई उस चीज को। और उसमें यही बताया कि आप जैसा सोच रहे हैं वास्तव में आप वही चीज जीवन में इनवाइट कर रहे हैं। तो मैंने इस चीज को समझने के लिए अपने जीवन को देखना शुरू किया। पहले हम जब जीवन में होते हैं तो हम लोग अपने अपने लिए बिल्कुल समय नहीं निकालते, हम लोग सारे स्थूल कार्य करते हैं, लेकिन जो मैं है वास्तव में, जो मेरी ट्रू सेल्फ है, व्हाट इज माय ट्रू सेल्फ, आई एम द सोल, वी रेयरली पे एनी अटेंशन टुवर्ड्स इट। ये क्या चीज है, हमने कभी पढ़ते, हम सोचते हैं ये अध्यात्म जो है ये डिफरेंट एस्पेक्ट है लाइफ का, जो सिर्फ जो फ्री लोग होते, जैसे मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा ये सब चीजों में रहते थे, और लेकिन वो लौकिक ज्यादा चीजें अचीवमेंट्स नहीं चाहते थे। अब जो था जीवन में काफी उनसे बहुत संतुष्ट थे, तो मेरे लेकिन जीवन से वो तृष्णा खत्म नहीं होती थी। अभी एक पड़ाव, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो मैं उनको बोलती थी आपके पास इतना समय है, आप क्यों इसमें टाइम वेस्ट कर, ये तो सिर्फ जो फ्री बैठे हुए लोग हैं या जो बुढ़ापे में जो लोग होते हैं उनका ये कार्य होता है, वो बैठ करके ये सब क्लासेस सुनते हैं और इस तरह से होता है, तो आप क्यों इसमें समय है, आप क्यों सत्संग वगैरह ये सब देखते रहते हो। तो वो सिर्फ मुस्कुराते थे और कुछ नहीं कहते थे। तो जब मैंने ये थॉट पावर के बारे में उधर समझा तो मैंने अपने ऊपर एक रिफ्लेक्शन डाली, अपने आप को देखा कि अगर सभी लोग कर रहे हैं और वो लोग कर रहे हैं जो बैक बेंचर्स थे क्लास में और मुझसे नहीं हो रहा है, ऐसी क्या कमी है जिसके कारण ये मैं क्वालिफाई नहीं कर पा रही हूँ। पढ़ाने में मैं अच्छी हूँ, दूसरों को मैं अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाती हूँ, लेकिन जब मैं उसी नॉलेज को अपने जीवन के लिए, अपनी उन्नति के लिए प्रयोग करूँ तो क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। तो संकल्प शक्ति पहली चीज बाबा ने टच कराई। वहां से मैंने थॉट्स के बारे में लिखना शुरू किया कि वास्तव में मेरी आंतरिक शक्तियों को, जो मुझे शक्ति चाहिए सिविल सर्विस एग्जाम में बैठने की और उसको क्वालिफाई करने की, वो कहाँ पर गुप्त है, कहाँ पर सुप्त है, ये कहाँ पर सो गई है, खो गई है, उसको मुझे इमर्ज कैसे करना है। तो वहां से पहला पॉइंट मैंने पकड़ा, दैट इज थॉट पावर। आप जो सोच रहे हैं वास्तव में उसी चीज को आप जीवन में इनवाइट कर रहे हैं। तो मैंने देखना शुरू किया कि मैं तो हमेशा नेगेटिव थॉट क्रिएट कर रही हूँ, मेरे पास बहुत कम समय है, मैंने पढ़ा नहीं है, लोग दो दो साल से तैयारी कर रहे हैं, इट्स अ स्टेट लेवल एग्जाम, फिर IFS की तैयारी कर, तो कंट्री लेवल का एग्जाम है, उसको कैसे क्वालिफाई करूंगी, मेरे पास काम बहुत है, मेरे को बच्चे तंग करते हैं, बच्चे छोटे हैं, बिकॉज उस समय बच्चे बहुत छोटे थे, एक तो स्कूल भी नहीं जाता था, दूसरा भी नर्सरी LKG में था। तो मुझे ऐसे लगता है नहीं ये सब मुझसे नहीं होगा, फिर आगे पीछे रिश्तेदारों को संभालना ऐसे, क्योंकि मैं एक ऐसी सोसाइटी से हूँ जहाँ पर डॉटर लॉ का बहुत एक वो देखा जाता है, जिसको कहते हैं माना उनको बहुत ज्यादा उनसे अपेक्षाएं रखी जाती, तो वो सब चीजों को भी संभालते हो। तो ये सब चीजें मैं सोच रही थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने फिर इन पॉजिटिविटी को प्रैक्टिस करना शुरू किया, मैंने एक्चुअली उसमें जो मैंने समझा उस चीज को प्रैक्टिस करके कि जो चीज भी आप जीवन में वास्तव में इनवाइट करना चाहते हैं आप उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दीजिए। अभी आप नेगेटिव चिंतन कर करके नेगेटिविटी को अपने सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बना रहे हैं, इसलिए वही चीज आपके जीवन में हो रही है। आपको जीवन में वो प्राप्त नहीं होता जो आप चाहते हैं,
आपको जीवन में वो प्राप्त होता है जो वास्तव में आप हैं। जैसे मैं अभी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हूँ, है ना, ये मेरी चाह है, लेकिन यदि मेरा खान पान, उठना बैठना रहना सहना, खान पान का अर्थ है आपका जो जीवन का व्यवहार है, यदि मेरा उस लेवल पे नहीं है तो मुझे वो चीज प्राप्त नहीं होती है। क्योंकि हर चीज दुनिया में वाइब्रेशन है, हर पोजीशन, पद मान पोजीशन औहदा, ये भी एक एनर्जी लेवल पे है। यदि मेरा एनर्जी लेवल बहुत लो है तो मैं उस एनर्जी लेवल तक नहीं पहुंच पाऊंगी, चाहे मैं उसकी चाह जितना मर्जी करती रहूं। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वास्तव में अपना एनर्जी लेवल जो है वो रेज करना पड़ेगा, अपनी आंतरिक शक्तियों को उभारना पड़ेगा। और वो आंतरिक शक्तियां, जैसे बाबा कहते हैं, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मण के खजाने में। बाबा बोलते हैं हमारे लिए कोई भी चीज जो है असंभव नहीं है, लेकिन फिर भी वो चीज हमें प्राप्त क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हम वास्तव में उन शक्तियों को भूल चुके हैं, उनसे विस्मृत हो चुके हैं। और विस्मृति का सबसे पहला कारण क्या है, नकारात्मकता, नेगेटिव थॉट्स। दिस इज द फर्स्ट कॉज ऑफ योर फेलियर, दिस इज द फर्स्ट कॉज ऑफ द सबमर्ज ऑफ यू नो व्हाई योर पावर्स आर बेसिकली सबमर्ज्ड राइज दिस टाइम। आप इस समय अपनी उन शक्तियों को बाहर क्यों नहीं उभार पा रहे हो या एक्सपीरियंस क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं आत्मा, हर एक आत्मा सशक्त है, वो परमात्मा का बच्चा है, वो संपूर्ण है, लेकिन अभी हम उसको एक्सपीरियंस क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स हैं, एनर्जी लेयर्स। क्योंकि आत्मा एक एनर्जी है तो उसके आगे पीछे क्या है, एनर्जी की लेयर्स है। वो एनर्जी की लेयर्स कैसे बनी है, हमारे संकल्पों से, हमने जो जो बचपन से सोचा है वो वास्तव में एक एनर्जी लेयर के रूप में हम सोल के आगे पीछे हो चुका है, मतलब एक घेराव बन चुका है, जिसको वृत्ति भी कह सकते हैं वो इस तरह से। और उसी घेराव के कारण हम वास्तव में उसी तरह का जो है उसमें एक तरह से हम लोग फंस चुके हैं। इसलिए हमारे शरीर की संरचना, इवन कि हमारा DNA, हमारा घर परिवार आगे पीछे की जितने भी सोल्स हैं, वो वास्तव में हमने अपने ही संकल्पों के कारण अपनी तरफ आकर्षित की है। हमारे जीवन में आज जो कुछ भी है वो वास्तव में हमारे संकल्पों का ही प्रतिबिंब जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहली चीज जो हमें जीवन में अपनानी है अपनी उन आंतरिक शक्तियों को उभारने के लिए, वो है अपने थॉट्स। हमारे थॉट्स बहुत ज्यादा प्योर होने चाहिए। प्योर थॉट्स का क्या मतलब है, देखिए आत्मा में दोनों तरह के थॉट्स इमर्ज होते हैं, मतलब जो है चलते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब पॉजिटिव थॉट्स के चलने का आधार कुछ और है, नेगेटिव थॉट्स के चलने का आधार कुछ है। पॉजिटिव थॉट्स का आधार है हमारी मूल स्मृति, जो मूल स्थिति है उसमें यदि हम लोग टिकते हैं, उस स्मृति में अगर हम सदा रहते हैं, तो डेफिनेटली हमें पॉजिटिव थॉट्स ही चलेंगे। और वो हमारा मूल स्मृति क्या है, या मूल हमारा जो जो हमारा परिचय है वो क्या है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, आई एम अ सोल, आई एम नॉट द बॉडी। और किसके कारण नेगेटिव थॉट चलते हैं, जब मैं भूल जाती हूँ कि मैं आत्मा हूं और मैं अपने आप को शरीर समझना शुरू कर देती हूँ, तो शरीर से जुड़े हुए सारे संकल्प हमेशा नेगेटिव ही होंगे। आज का आप जीवन में देखें, आगे पीछे जितनी भी जो हमारे समाज है, परिवार है, जहां पर भी हम लोग रह रहे हैं, वहां पर 99% जितनी भी चीजें हो रही है वो सारी क्या है, नेगेटिव। तो डेफिनेटली जब हम उस परिपेक्ष में अपने आप को देखेंगे, एज अ बॉडी हम लोग देखेंगे, तो हम पॉजिटिव नहीं सोच सकते। अब जैसे बाहर मिलिटेंसी और मैं कहूँ नहीं मुझे उसका इफेक्ट नहीं होगा, मैं तो पवित्र आता हूँ, मैं सब ये हूँ, मैं ऐसे मतलब मैं तो एकदम प्रोटेक्टेड हूँ, वो नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर सब कुछ नेगेटिव है, लेकिन उस नेगेटिव माहौल में खुद को पॉजिटिव रखने के लिए मुझे सोल कॉन्शियस होना पड़ेगा कि यदि इस परिस्थिति में मैं क्यों फंसी हूँ, कहीं ना कहीं इन आत्माओं के साथ इस परिस्थिति को डेवलप करने में मेरा कुछ ना कुछ हाथ है, चाहे इस जन्म का ना हो, कहीं ना कहीं पिछले जन्मों का, कहीं ना कहीं मैंने एनर्जी इस परिस्थिति को डेवलप होने में दी है, इसलिए आज मैं वहां पर हूँ। क्योंकि परमात्मा सिखाते हैं कि आपके जीवन में कुछ भी बिना कर्मों के नहीं हो रहा है, आपने ही कुछ किया है इसीलिए आप वहां पर हो, है ना। यदि आज मेरा परिवार एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था मेरा जन्म, तो वो मेरा जन्म वहां क्यों हुआ, क्योंकि मैंने वहीं पर ऊर्जा दी है, मेरे कर्म वहीं पर जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली मेरा जो जन्म है वहीं पर होगा। आपके कर्मों के अनुसार आपको जन्म मिलता है, आपकी जिस तरह की वाइब्रेशन है, जिस एनर्जी लेवल पर आप हो, जिसको हम एनर्जी डायमेंशन भी कहते हैं, जैसे बाबा हाईएस्ट एनर्जी डायमेंशन पे है, क्यों है हाईएस्ट, क्योंकि उसके कर्म खराब नहीं है, वो हमेशा पवित्र ही सोचता है, उसके संकल्प सदा परम पवित्र रहते, इसलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो,
मुझे क्यों याद करो, क्योंकि जिस चीज को आप मन बुद्धि से याद करते हैं उसकी ऊर्जा से आप जुड़ जाते। तो परमात्मा इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पवित्र ऊर्जा का स्रोत है। जब हम मन बुद्धि से उसके साथ जुड़ेंगे तो डेफिनेटली उसका उसकी ऊर्जा जो है हमें फ्लो होती जाएगी। हम रेगुलर लाइफ में क्या कर रहे हैं, हम वास्तव में उस चीज का ज्यादा चिंतन करते हैं जो हमारे जीवन में है नहीं। अरे ये नहीं है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, मेरा केएस क्वालिफाई नहीं हो रहा, मेरा सिविल सर्विस क्वालिफाई नहीं हो रहा, अरे मुझे ये बंधन आ गया, मैं अभी मेरी शादी कर दी जल्दी, मेरे बच्चे हो गए, मेरा ऐसा ऐसा, ये सब कुछ हम कर रहे हैं। जबकि ज्ञान सिखाता है कि ये सब चीजें तुम्हारे कर्म अनुसार हो रही है। तुम दुनिया का कोई भी लॉ तोड़ सकते हो लेकिन कर्म का सिद्धांत तुम नहीं तोड़ सकते। इस चीज को जब मैंने उस समय समझना शुरू किया तो मैंने सबसे पहला बीज पकड़ा। आपके कर्मों का बीज क्या है? आपके कर्मों का बीज है आपके संकल्प, आपके थॉट्स। तो मैंने थॉट्स को बदला। मैंने क्या करना शुरू किया, मेरे पास का हार्डली 40 डेज थे, तो 40 डेज में मुझे 8 सब्जेक्ट्स तैयार करने थे और 8 सब्जेक्ट्स को तैयार करना था, फिर उसमें उत्तीर्ण भी होना था, तो मेरे पास समय बहुत कम था। इसलिए मैंने और एक चीज सीखी उसी ज्ञान से कि आपको हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है। जब हम हार्ड वर्क करते हैं तो हम बेसिकली बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क जो करेगा वो बॉडी का ज्यादा प्रयोग नहीं करेगा। इसलिए योगी एज्ड कम होते हैं, उनकी एजिंग बहुत स्लो होती है, क्योंकि वो इंद्रियों का अधिक प्रयोग नहीं करते। जितना आप इंद्रियों का अधिक प्रयोग करेंगे आपकी एजिंग बढ़ती जाएगी, है ना, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेस बेसिकली। तो आप इंद्रियों से परे टिकने का जब अभ्यास करते हैं, यानी कि सोल कॉन्शियसनेस में टिकने का अभ्यास करते हैं, तो सोल को सशक्त करने के लिए आपको सबसे पहला स्टेप चाहिए होता है प्योर पॉजिटिविटी। यू हैव टू डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव थिंकिंग शुड बिकम द पार्ट ऑफ योर नेचुरल नेचर। हर परिस्थिति में आपको पॉजिटिव सोचना आना चाहिए, यही मुरली हमें सिखा रहे हैं। मुरली में बाबा हमें वास्तव में क्या दे रहे हैं, शुद्ध संकल्पों का ही आपको खजाना दे रहे हैं। यदि हम मुरली नहीं सुनते हैं, या कोई भी आध्यात्मिक पुरुष की या जो आध्यात्मिक हस्तियां हैं उनकी, यदि जो उन्होंने कंटेम्पलेट करके जो सीखा है, जो उनका मन चिंतन है, उसको यदि हम नहीं सुनते हैं तो हमारे विचार परिवर्तित नहीं होते हैं। तो मैंने भी क्या करना शुरू किया, अवेकनिंग को सुनना शुरू किया और उसी आधार पर अपने संकल्पों को बदलना शुरू किया। एक दिन में नहीं होता है ये, क्योंकि आपके थॉट्स जो भी हैं वो बचपन से, देखिए मैं उस समय 31 ईयर्स की थी, तो डेफिनेटली कितनी मान्यताएं तब तक बन चुकी थी जीवन में, कोई अध्यात्म का कोई पता नहीं। पूजा पाठ होता था घर पर और बहुत सारे घर के लोग स्पिरिचुअल भी थे, लेकिन मैं उनको मानती नहीं थी, मैं नहीं मानती थी कि ये सब कुछ है कि नहीं मुझे, क्योंकि वो लोग बहुत स्लो लगते थे, बहुत डिसाइड लगते थे, कुछ नहीं कर रहे, सब बैठ करके सिर्फ सत्संग सुन रहे, तो मैं कर्मठ थी, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने वाली, तो मुझे ऐसे लगता ऐसे बैठ के थोड़े होएगा, इस तरह से थोड़े बैठ करके आप सिर्फ सुनते रहो तो ऐसे हो जाता। लेकिन ठीक है, आप बहुत अच्छी तरह से आप डिसिप्लिन है लाइफ में सब कुछ, लेकिन यदि आपका माइंड डिसिप्लिन नहीं है तो तब भी आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। तो आपके जीवन में किसी भी चीज की प्राप्ति के लिए आपको हर तरह का बैलेंस और डिसिप्लिन बनाना जरूरी है, चाहे वो आपके शरीर का डिसिप्लिन है, आपको शरीर को भी स्वस्थ रखना आना चाहिए डेफिनेटली। और शरीर को स्वस्थ आप कैसे रखते हैं, अच्छा भोजन देते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और इसको आराम देते हैं, ये 3 चीजें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है। इसी तरह से आत्मा को भी यही 3 चीजें चाहिए, उसको भी अच्छा भोजन चाहिए, उसको भी एक्सरसाइज चाहिए और उसको भी आराम चाहिए। तो अब मेरे जीवन में शारीरिक तो स्वस्थता थी ही, लेकिन वो आत्मा की स्वस्थता नहीं थी, मन की स्वस्थता नहीं थी। तो मन की स्वस्थता अर्थात आत्मा को सशक्त करने का, आत्मविश्वास का मतलब ही है खुद को आत्मा हो समझना, खुद को आत्मा होने में विश्वास रखना, यही आत्मविश्वास का मूल मंत्र है। जब आप खुद को सोल समझते हैं तो फिर आपके थिंकिंग पैटर्न बदलना शुरू हो जाता है, आप अपने आप ही आपके थॉट्स पॉजिटिव हो जाते हैं। और यदि आप खुद को शरीर समझते हैं तो ये देखिए, जब भी आप शरीर समझेंगे तो आपके जो विचार है वो विकारों पर आधारित होंगे, आपको काम भी आएगा, क्रोध भी आएगा, लोभ भी आएगा, मोह भी आएगा, अहंकार भी आएगा, ईर्ष्या द्वेष निंदा झूठ चुगली, ये सब कुछ आप करेंगे, क्योंकि आप हद में हैं, आप अपने आप को शरीर समझ रहे हैं और शरीर को बचाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप हर एक प्रयास करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि आराम जो है वो हर जो है शरीर आत्मा है उसको चाहिए। तो वो शरीर समझ रही है खुद को, तो शरीर को आरामदायक बनाने के लिए हर प्रयास वो करेगी। तो इस प्रकार से जब भी हम खुद को शरीर समझते हैं तो हमें वो नेगेटिव थॉट्स आने ही है, लेकिन स्मृति का स्विच ऑन करना है। बाबा कहते हैं आप शरीर नहीं हो बच्चे, आप आत्मा हो, है ना।
तो जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं तो हमारी वो आंतरिक शक्तियां इमर्ज होना शुरू हो जाती है। तो आत्मा को सशक्त करने का, आत्मा को शक्तिशाली बनाने का पहला आधार है अच्छा भोजन दीजिए आत्मा को। आत्मा का अच्छा भोजन क्या है? शुद्ध संकल्प। तो मैंने भी शुद्ध संकल्पों का भोजन खुद को देना शुरू कर दिया, लेकिन क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा घट कर चुकी थी, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी थी, आप समझे, मैं कॉलेज डेज में ये सोचा करती कि यदि मैंने पॉजिटिव सोचा तो नेगेटिव हो जाएगा और यदि नेगेटिव सोचा तो पॉजिटिव होगा। सोचिए ये कैसी विचारधारा थी मेरे मन में। हमें ये सिखाया जाता है ज्यादा हंसो मत, तुम्हें रोना पड़ेगा, ऐसा आगे पीछे, अरे ज्यादा ज्यादा अच्छे कपड़े मत पहनो, किसी का नजर लग जाएगा, ऐसा है ना, दिखाओ किसी को, दिखाओ मत तुम्हारे पास क्या है, नहीं तो लोग अपनी गंदी नजर से छीन लेंगे, ऐसा ऐसा धारणाएं जो थी वो जीवन में थी। तो एक दिन में तो बदलेगा नहीं, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, मैंने बोला मेरे पास 40 डेज ही हैं, तो मैंने पॉजिटिविटी को प्लान किया। कैसे प्लान किया? मैंने, मुझे जब भी डर लगता था कि अरे ये तो सिलेबस बहुत ज्यादा, तो मैं उसी समय संकल्प क्रिएट करती थी, नहीं मैंने काफी देर से पढ़ रही हूँ, मैंने MSc किया है, MPhil किया है, मुझे काफी कुछ आता है अपने 2-3 सब्जेक्ट्स का, मुझे सिर्फ जनरल स्टडीज तैयार करना है और जनरल स्टडीज में वही आएगा जो मैं पढ़ूंगी, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, वही आएगा। तो मैंने वास्तव में पढ़ाई से ज्यादा अपनी आंतरिक पढ़ाई को ज्यादा पढ़ा उस समय। तो मैंने उसी वाइब्रेशन को रेज किया, अपनी वाइब्रेशन को रेज किया, क्योंकि शायद मेरा स्तर एक KS ऑफिसर के लेवल का नॉलेज इतना चाहिए था, वो मुझ में आ चुका था, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, वो आंतरिक शक्ति इमर्ज नहीं हो रही थी कि आई कैन बी अ बी एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, वो नहीं आ रहा था मुझ में। तो फिर उसको मैंने डेवलप करने के लिए पॉजिटिविटी को डेवलप किया। कैसे मैंने डेवलप किया? रात को सोते समय वही संकल्प करके सोना, दिस इज पॉसिबल फॉर मी, आई कैन डू इट, ये मैंने मैंने किया हुआ है पहले भी, क्योंकि बाबा ने तब भी समझाया कि ये ड्रामा हू रिपीट होता है, तो मैंने कहा नहीं मैंने किया हुआ, भले मन नहीं मान रहा था उस समय, लेकिन मैंने कहा नहीं मैंने किया हुआ है इस तरह। तो पॉजिटिविटी को बढ़ाया, फिर ये संकल्प किया कि जो मेरे को सिलेबस मैंने पढ़ा है उसी में से आएगा, उसके बाहर का नहीं आ सकता है। फिर मैं अपने आप को विजुलाइज करती थी कि मैं एग्जाम में बैठी हूँ और उसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन है वो सारे मुझे आ रहे हैं और सभी क्वेश्चन को मैं अच्छे से लिख पा रही हूँ। और आप माने मेरे फरवरी में एग्जाम शुरू होते 2012 में, और वो एग्जाम्स में 80% वही पेपर आता था जो मैंने देखा होता था, जो मैंने पढ़ा होता था, 80% उसी सिलेबस में से आता था। अब ये मैं वो नहीं कि मैंने उसको संकल्पों से आकर्षित किया होगा, मैं क्योंकि मैंने सिलेबस तैयार किया था, लेकिन मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि मैंने सिलेबस तैयार किया है, तो डेफिनेटली मुझे 80-90% तो सिलेबस आता ही था, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक शिक्षिका थी और जो मैक्सिमम जो हमारे सब्जेक्ट्स है वो हम लोग पढ़ाते ही जाते हैं, जनरल स्टडीज से, हम लोग न्यूज वगैरह से आगे से सुनते जाते हैं, वो सब चीजें वहां पर आपको पूछी जाती है, बिकॉज वास्तव में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का नॉलेज तो चेक किया ही जाता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उसका उसका एक कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है कि क्या ये उस परिस्थिति में अपने आप को ठीक रख के उस आगे पीछे की जो चीजें हैं उसको संभाल सकते हैं कि नहीं। तो मैंने इस तरह से संकल्पों का प्रयोग किया और 10 अप्रैल 2012 में एग्जाम का रिजल्ट आया और मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो चुका था, मेंस क्वालिफाई हो चुका था। दैट वाज द फर्स्ट इंस्टांस जब मैंने संकल्प शक्ति को समझना शुरू किया। उसके बाद जीवन में बहुत सारी और परिस्थितियां आई, क्योंकि कर्म आपने कैसे किए हैं पीछे ये तो बाबा जानते हैं, आपको तो अभी पता नहीं है क्योंकि आप क्या करके आए हो, लेकिन उसको साथ तो लेकर के आए हो ना। ज्ञान ने सिखाया कि आपके जो कर्म है वो आपके 4 फीट के सूक्ष्म शरीर में आपके साथ ही घूमते, अब वो आते जाएंगे आपके साथ, जैसे कर्म, इसको हम संचित कर्म कहते हैं, जैसे कर्म पकता है वो आपके सामने आता है, अब आपने यदि उससे छूटना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही तरीका, ज्ञान और ध्यान, परमात्मा का सत्य ज्ञान और ध्यान, इसके अलावा आप उससे छूट नहीं सकते हैं, इसको ही मुक्ति है ना, मुक्ति का, और हम तो खैर जीवन मुक्ति की तरफ जाते हैं क्योंकि हम यह पुण्य भी जमा करते हैं, तो मुक्ति हम दो ही तरीके से कर सकते हैं, या तो वो जो कर्म आ रहा है उसको आप भोग लें, और या फिर परमात्मा से योग रखें तो उस कर्म की आपको वो भोगना जो है वो नाम मात्र लगेगी, एक आरी के समान का दर्द, सुई के समान जो है, मतलब जैसे मक्खन में से बाल निकल गया इस तरह से आपको लगेगा। तो अप्रैल में ऐसा मैं जीवन की पहली संकल्प शक्ति की उपलब्धि मैंने देखी, आंतरिक शक्तियां भरी, कॉन्फिडेंस बढ़ा, मैंने देखा कि मेरा आत्मविश्वास कैसे कैसे बढ़ा, मैंने बहुत पॉजिटिविटी को प्रैक्टिस किया, जैसे नेगेटिव थॉट आता था उसको स्टॉप करके, जैसे हमें सिखाया जाता है कि आप अपने मन को देखें पूरे दिन में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है वास्तव में, और यदि वो संकल्प सोल कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंगली नहीं है
नेगेटिव आई मीन बॉडी कॉन्शियसनेस में आप जैसे पॉजिटिव, आप पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करना है तो आपको देख चेक करना है कि आपका थॉट कैसा है। अगर वो बॉडी कॉन्शियसनेस पे बेस्ड है तो उसको छोड़ देना है, उसको स्टॉप करना है। पहले चेक किया, फिर स्टॉप किया, फिर चेंज किया। चेंज कैसे करना है? बाबा इतने संकल्प दे रहे हैं, आत्मा को यदि आपने समझा हो, मैं आत्मा हूं, तो मेरे तो जो संकल्प है वो 7 गुणों पर आधारित है ना, इसलिए सतोगुणी, सप्तर ऋषि है, इंद्रधनुष के 7 रंग है, लाइट को भी जब आप प्रिज्म में से पास करें तो 7 रंग आते हैं। तो वास्तव में ये सारा का सारा सोल कॉन्शियसनेस की ही प्रैक्टिस है ना, सारा कुछ उसी चीजों पर, उसी चीज पर आधारित है। तो आपने चेक करना है, यदि नेगेटिव थॉट है तो आपने चेक करना है क्या ये थॉट जो है मेरा ये बॉडी कॉन्शियसनेस पे बेस्ड है कि सोल कॉन्शियसनेस पे बेस्ड है। तो यदि आपको अपनी आंतरिक शक्ति को उभारना है तो आपके थॉट्स सोल कॉन्शियसनेस पर बेस्ड होने चाहिए। आपको उस संकल्प को वहां पर रोकना है, स्टॉप करना है, और उसकी जगह पर आपको पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना है। तो मैंने ऐसे किया, जब मेरे को लगता था कि नहीं मेरा ये नहीं होगा, नहीं मेरा होगा, मुझे जो आता है उसी में से पेपर आएगा सब। मैं तो ये भी विजुलाइज करती थी कि इंटरनेट पे मेरा रिजल्ट है और मेरा रोल नंबर वहां पर है और मेरा क्वालिफाई होगा। तो सचमुच ऐसे ही हुआ, लेकिन और बहुत सारे कर्मा मेरे वेट कर रहे थे। अप्रैल में मेरा रिजल्ट निकला, मैं क्वालिफाई होगी, लेकिन मार्च 10th मार्च को 2012 को आई लॉस्ट माई हस्बैंड इन ए कार एक्सीडेंट। बहुत बड़ा, तो बहुत बड़ा पेपर आ गया लाइफ में। छोटे छोटे बच्चे थे, एक तो स्कूल भी नहीं जाता था उस समय, और एक बहुत छोटा था। तो इस तरह से वो एक बहुत बड़ा पेपर था मतलब लाइफ में। आई वॉज 31 ईयर्स ओल्ड। तो आप सोचिए मैं एक ऐसे समाज से बिलोंग करती हूँ अपने कर्म अनुसार, जहाँ पर जो है एक फीमेल को बहुत लोअर समझा जाता है, मेल डोमिनेट सोसाइटी है। तो वहां पर ज्यादा स्त्रियों को शादी के बाद पढ़ने का उस तरह से वो इतना अलाउ भी नहीं किया जाता है। लेकिन क्योंकि मेरे हस्बैंड काफी कोऑपरेटिव थे, ही वॉज अ स्पिरिचुअल पर्सन, तो वो मुझे काफी ज्यादा मदद करते थे। सो उनके पीछे मुझे कोई कुछ कह नहीं पाता था। लेकिन जैसे वो चले गए तो जीवन में बहुत सारे पेपर्स आने लगे। वो क्यों आने लगे? क्योंकि उन लोगों की वैसी ही मनोवृत्ति है, उन्होंने वैसा ही समाज देखा, इसलिए वो वैसे पेपर आने लगे। तो फिर धीरे 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 जीवन में नेगेटिविटी बढ़ना शुरू होगी, जो सपने सजाए थे वो टूटना शुरू हो गए। फिर से किसका प्रयोग? योग का प्रयोग, परमात्मा के ज्ञान का प्रयोग। तो धीरे धीरे अपने आप को रीमैरिज से बचाया, और काफी ज्यादा अपने भी जो आंतरिक जो अपनी भी इच्छाएं थी उनको भी परिवर्तित किया, क्योंकि वो सारी इच्छाएं बॉडी कॉन्शियसनेस पर बेस्ड थी और सोल कॉन्शियसनेस के। हालांकि ये एक दिन में नहीं हुआ, इट इज नॉट अ, आप इतनी देर की धारणाएं जो आपके जीवन में बन गई वो एक दिन में नहीं बदलती है। उसको बदलने के लिए आपको निरंतर ज्ञान का मनन चिंतन करना पड़ता है, तभी वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनती है। लेकिन एक चीज यदि हम समझ जाए ज्ञान से कि जो मैं थॉट क्रिएट कर रही हूँ उसी थॉट के अकॉर्डिंगली मेरी बॉडी में बायोकेमिकल सिक्रीट होते हैं। एक्चुअली क्या है, आपके संस्कार परिवर्तन जो है वो कैसे पॉसिबल है, आप कैसे अपनी आंतरिक शक्तियों को उभार सकते हैं, कैसे आप जो है प्योर बन सकते हैं, आपको वास्तव में अपने थॉट्स का इफेक्ट अपनी बॉडी पर समझना चाहिए क्या होता है। तो जो भी हम लोग थॉट क्रिएट करते हैं, पहले उसका इफेक्ट हमारे नर्वस सिस्टम पर होता है, न्यूरॉन्स पर होता है, और फिर वही न्यूरॉन्स जो है आगे उसको प्रोसेस करके हार्मोन्स के सिक्रेशंस करवाते हैं, और फिर हार्मोन्स के अकॉर्डिंगली बॉडी के बाकी बायोकेमिकल्स जो है वो और भी बायोकेमिकल सिक्रीट होते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली शरीर की संरचना बदलती रहती है। माना जो जो हम सोचते जाते हैं उसी के अकॉर्डिंगली हमारे शरीर में सेल्स भी बदलते जाते हैं। इसीलिए एक यदि बहुत फेरोशियस दिखने वाला व्यक्ति है, यदि वो भी अपने संकल्पों को बदलना शुरू कर दे, क्योंकि कहते हैं ना फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर माइंड, तो जो आप अंदर सोच रहे हैं वही आपके चेहरे पर दिखना शुरू हो जाता है वो। इसीलिए और बहुत सारे लोग बड़ी जल्दी उनकी एजिंग होती है या वो बहुत जल्दी बड़े लगने लग पड़ते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द थॉट थिंकिंग पैटर्न, वो कैसा सोच रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली ये होता है। तो जिस तरह से आप सोचते जाते हैं वैसे आपके बायोकेमिकल्स क्रिएट होते हैं, और उन्हीं बायोकेमिकल्स के अकॉर्डिंगली आपके शरीर में नए सेल्स बनते जाते हैं। पिछले सेल्स मरते जाते हैं, नए बनते जाते, चलता रहता है, ये सेल्स मरना और नए बनना ही चलता रहता है, और नए सेल्स आपके थॉट्स के अकॉर्डिंगली बनते हैं। तो ये सब चीजें मैंने समझना शुरू की, और बहुत सारे जो पेपर्स आए उसमें, हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं हिली नहीं, मैं बहुत ज्यादा हिली, क्योंकि मुझ में एक बात थी कि मैं कभी भी इंजस्टिस सहन नहीं कर पाती थी। जब मुझसे मेरे साथ इंजस्टिस होने लगी एज अ सिंगल लेडी इन द सोसाइटी, तो आपको सभी दबोचने की, एनक्रोच करने की कोशिश करते हैं, सभी माना कोई कोई सजेशन दे रहे, कोई कोई सजेशन दे रहे, तो उसमें मुझे काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, और मुझे काफी ज्यादा संकल्प मेरे नेगेटिव चले। लेकिन
फिर वो ज्ञान की वजह से, फिर से वो परमात्मा की ज्ञान की वजह से मैंने फिर से अपनी आंतरिक शक्ति को उभारा। और इस तरह से लड़ते लड़ते 2 साल तक अपना घर परिवार ये सब कुछ, आप सोचिए जब मेरे हस्बैंड गए तो मेरे पास घर भी नहीं था, वी वर ऑन ए रेंटेड अकोमोडेशन। तो फिर उसके बाद इस सबको करा अपने, लेकिन उसी संकल्प शक्ति के अनुसार अपनी आंतरिक शक्तियों को उभारते हुए परमात्मा का ध्यान करते हुए इन्हीं 2 सालों में मैं क्या नहीं छोड़ती थी, मैं अमृत वेला नहीं छोड़ती थी कभी। तो मुझे मेरे अनुभव से ये लगता है कि यदि आपको अपनी आंतरिक शक्तियां उभारनी है तो पहला डेफिनेटली आपका जो प्रोसेस है वो यही है कि आप अपने थॉट्स को सदा पॉजिटिव रखें। बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियस पर आपके थॉट्स जो होने चाहिए, आधारित होने चाहिए। दूसरा, आप कभी भी अपनी अमृत वेला आप मिस ना करें, क्योंकि आंतरिक शक्तियों को उभारने में आपकी दिनचर्या का बहुत बड़ा रोल है। इसको फिर बाद में मैंने सुना भी बहुत बड़े बड़े योगियों से, और मैंने क्योंकि अष्टांग योगा भी मैंने सीखा तो उसमें भी मैंने इसको समझा और बुक्स में भी पढ़ा कि जो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है वो भी वास्तव में सोल को चार्ज करने में एक रोल प्ले करती है, आंतरिक शक्तियों को उभारने में रोल प्ले करती है। आज हम मनोबल क्यों खोते जा रहे हैं, क्योंकि हम आत्मा वीक हो चुके हैं। मैं आत्मा वीक हो चुकी हूँ इसलिए मुझमें मनोबल नहीं है, मैं छोटी छोटी परिस्थितियों में हिल जाती हूँ। तो मनोबल को बढ़ाने का पहला तो डेफिनेटली ज्ञान का आप मनन चिंतन करें, पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव सुनते चले, पॉजिटिव अंदर भरते चले, क्योंकि अंदर नेगेटिव बहुत है तो उसको आप एक दिन में नहीं निकाल पाएंगे। उसको निकालने का एक ही तरीका है कि निरंतर इनपुट आपका पॉजिटिव ही होना चाहिए, ठीक है। तो इनपुट आप पॉजिटिव रखें, उसी को आप सोचें बार बार, तो धीरे धीरे उसी अकॉर्डिंगली आपके अंदर बायोकेमिकल सिक्रीट होंगे और वैसे ही आपके बॉडी का जो है वो सेल्स परिवर्तित होना शुरू हो जाएंगे। फिर दूसरा है, आप अपनी दिनचर्या को सेट करें, आपके जो डे रूटीन है दैट शुड बी एक्यूरेटली अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिकल क्लॉक। तो बायोलॉजिकल क्लॉक पर अपने आसपास देखें, सभी पशु पक्षी जो आपके पास है उनका भी अपना एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, राइट। उनको सभी को आप देखते होंगे, वो सूर्यास्त से पहले पहले अपने घोंसलों में होते हैं, सो जाते हैं और सुबह 4 बजे ही उनकी चिरपिंग जो है वो शुरू हो जाती है ना। लेकिन हम मनुष्य जितना जितना बॉडी कॉन्शियसनेस की तरफ जा रहे हैं, जितना जितना जिसको बाबा कहते हैं माया का पंप, तो जितना हम लोग माया में लिप्त होते जा रहे हैं हमने इस बायोलॉजिकल क्लॉक की इंपॉर्टेंस ही छोड़ दी। तो जैसे उन 2 सालों में 2012 से 2014 तक, मैं 14 से अपनी जर्नी क्यों बताती हूँ कि मैं ज्ञान में हूँ, क्योंकि वास्तव में 14 से ही मैंने भगवान के बाबा के नियमों को समझना शुरू किया। बीच में मैं संकल्प शक्ति का प्रयोग तो करती थी, लेकिन भगवान सचमुच मुझे चुन रहा है या सचमुच मुझे बाबा मिला, अभी 2 साल मुझे लगे उसमें मैं इधर उधर ही रहती थी। लेकिन 14 में जुलाई 14 में मैं जो है वो मधुबन पहली बार गई, तो वहां से मैंने सीखा कि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होनी चाहिए। बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करने का क्या तरीका होता है, आपको रात को शाम को बेसिकली 7 बजे से पहले पहले आपको अपना भोजन कंप्लीट कर ले, जिसको आप आयुर्वेदा में भी आप यदि सीखे, जब मैंने अष्टांग योगा सीखा तो उसमें भी यही सिखाया कि सूर्यास्त से पहले पहले अपना रात का भोजन जो है वो आप पूरा कर ले, और वो भोजन आपका लाइट होना चाहिए, दैट शुड बी लाइट, लाइक यू कैन टेक सूप और सम सैलड समथिंग लाइक दैट, है ना। भारी भोजन आप ना करें, क्यों नहीं करना है आपको भारी भोजन, बिकॉज वो आपके बॉडी के जो बाकी प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया, जैसे जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी क्लीन करती है अपने आप को ऑटोमेटिकली, आप में जो भी गलत नेचुरल एक हीलिंग प्रोसेस जो है वो शुरू होता है जब सोने का समय आता है, ठीक है। तो ये तभी होगा जब आप 7 बजे से पहले पहले भोजन करेंगे। इसी को आज लोग ज्यादा पॉपुलराइज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ 16-hour fasting, इंटरमिटेंट फास्टिंग इस रूप में। तो वो अपने आप ही हो जाती है यदि हम बाबा की दिनचर्या को फॉलो करते हैं। 7 बजे से पहले पहले आप अपना भोजन कर ले और 9 और 10 के बीच में आप सो जाए। 9 और 10 के बीच में जब आप सो जाते हैं तो क्या होता है, आप एक स्लीप में जाते हैं, दैट स्लीप इज कॉल्ड एज डेल्टा स्लीप। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यदि आप परमात्मा से योग लगा, इस चीज ने मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन लाया, यदि आप ईश्वर से योग लगा करके ऊर्जा नहीं खींच पा रहे, बैटरी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज नहीं कर पा रहे, अपने अंदर जो ऑलरेडी कर्मों के कारण नेगेटिविटी है उसको आप जला नहीं पा रहे हैं परमात्मा की ऊर्जा से, तो आपको ये डेल्टा स्लीप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है आपकी लाइफ में प्ले करती है। कहा जाता है कि डेल्टा स्लीप में हम नेचुरली सोल कॉन्शियस हो जाते हैं, नेचुरली आत्मा जो है अशरीरी हो जाती है, शरीर से अलग हो जाती है। एंड ये डेल्टा स्लीप में जाने का एक स्लीप साइकिल है, बेसिकली आप पहले बीटा स्टेज में होते हैं, फिर आप अल्फा स्टेज में जाते हैं, फिर आप थीटा स्टेज में जाते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, आपको मिल जाएगा स्लीप साइकिल, फिर आप डेल्टा स्लीप में जाते हैं।
बीटा स्टेज मतलब क्या, उस समय हमारे पूरे दिन में जो थॉट्स चले वो काफी चलेंगे, फिर धीरे धीरे हमारे वो थॉट्स स्लो डाउन होना शुरू हो जाते हैं, इस स्टेज को हम अल्फा स्टेज कहते हैं। फिर धीरे धीरे हमें नींद आना शुरू हो जाएगी, ड्राउजीनेस है ना आना शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी हमें पूरी तरह से सोई नहीं है, भी हमें कोई थोड़ी सी आवाज होगी तो हम जाग जाएंगे, दैट इज द थीटा स्टेज। और उसके बाद एक गहरी स्टेज में हम लोग जाते हैं नींद की, दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा स्टेज। एंड डेल्टा स्टेज में आपको पता नहीं चलेगा आप कहाँ पर है, आगे पीछे क्या हो रहा है कुछ नहीं पता चलेगा। आप देखिए बच्चों में ग्रोथ ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि वो मैक्सिमम डेल्टा स्लीप में जाते हैं, ठीक है ना। बच्चे एक बार सो गया बच्चा तो वो आपकी शोर करने पर भी नहीं उठेगा, आप सो मुझे, जैसे मैं भी एक मदर रही हूं तो मुझे याद आता है कि सोए सोए हम उनको कपड़े पहना देते थे, उनके शूज चेंज, उनको तैयार कर लेते थे, उनको ले भी जाते थे, तो फिर कहीं ओकेजन पर जाकर के उनकी नींद, तो कौन सी नींद है वो वास्तव में, दैट इज डेल्टा स्लीप। तो ये डेल्टा स्लीप हर एक आत्मा को लेनी ही लेनी है, अगर आंतरिक शक्तियों को उभारना। तो अभी अगर परमात्मा की याद से आप अपनी आंतरिक शक्तियों को नहीं उभार पा रहे हैं, जो आपका ही ट्रेजर है, उसके ऊपर लेप चढ़ चुका है नेगेटिविटी का, तो आप इस डेल्टा स्लीप से उसको उभार सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डे क्लॉक अपनी सेट कीजिए, 9 से 10 के बीच में सोना ही सोना है, और जब आप सोएंगे ऑटोमेटिकली आप सूर्योदय से पहले उठेंगे। सूर्योदय से पहले उठना और क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आप सूर्योदय के बाद उठते हैं तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन सिक्रीट होना शुरू होते हैं, क्योंकि उस समय बॉडी बेसिकली तैयार कर रही होती है अपने आप को काम करने के लिए। आपको बॉडी से जो भी काम लेना है उसके अकॉर्डिंगली आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली देर इज अ सेट ऑफ हार्मोन्स एंड बायोकेमिकल्स, वो अपने अपने टाइम पे सिक्रीट होते हैं। इसलिए बहुत सारी स्टडीज में आपने पढ़ा होगा कि सुबह जल्दी उठने से एंडोर्फिन सिक्रीट होते हैं, बिकॉज दैट इज द टाइम ऑफ दैट पॉजिटिव सिक्रीशन इन द बॉडी। लेकिन यदि आप उस समय नहीं सुन उठते हैं तो आपके वो एंडोर्फिन सिक्रीट नहीं होंगे, जो ऑटोमेटिकली आपको पूरे दिन में एनर्जाइज रखेंगे। तो आप लेट उठे, वैसे भी आपके थॉट्स हैवी चलेंगे, क्योंकि अरे लेट हो गए, अब तो काम करना ये है, जल्दी 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 काम करते। जब भी हम जल्दी जल्दी कार्य करते, मीन्स वी आर नॉट सोल कॉन्शियस, वी आर बॉडी कॉन्शियस। मैं बहुत करती थी ऐसा, बहुत ज्यादा करती थी, क्योंकि अभी चलते ही आपको बाबा के ज्ञान की धारणाएं नहीं हो जाती, तो इस तरह से। लेकिन जीवन में जैसे जैसे बाबा के नियमों को हम लोग फॉलो करती गई मैं, तो मेरी वो आंतरिक शक्तियां इमर्ज होती गई। जो भी लोग मुझे कुछ बोलते थे, कैसा कितने कटाक्ष मुझ पर होते थे, एक्चुअली स्टार्टिंग से मैं बहुत एम्बिशियस थी, तो किसी ने कहा अरे ये अपने पति का ध्यान नहीं रखती थी इसलिए पति डिप्रेशन में था, उससे गाड़ी गिर गई, ऐसा माना मुझ पर ही इल्जाम लगाने लग पड़े कि एक्सीडेंट जो हुआ है वो मेरी वजह से हुआ, तो इस तरह से। लेकिन बाबा पहचानता है आपको, बाबा सच्चे दिल पे साहिब राजी परमात्मा तो आपको जानता है। तो डिस्पाइट ऑल द ऑड्स ऑल अराउंड मी, मैं फिर भी बाबा को याद करके, क्योंकि आगे पीछे मेरे पास कोई भी खुशी का स्रोत नहीं था, तो मेरे पास एक ही खुशी का स्रोत था, बाबा को याद करूं, बाबा की बातों में खोए रहूं। तो ये भी एक टेक्निक है वास्तव में, इस टेक्निक को कहते हैं देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी नाइस टेक्निक टू प्रैक्टिस सोल कॉन्शियसनेस। ठीक है, जितना जितना आप, यस आई थिंक टाइम बहुत अनुभव है बहुत ज्यादा, तो टाइम जब होने लगेगा प्लीज मुझे आप बता दें, राइट। अभी तो है इस तरह, 40 मिनट। राइट ओके, तो इस तरह से आप जैसे जैसे बाबा के नियमों की ओर चलते जाएंगे तो आपकी अपनी आंतरिक शक्तियां इमर्ज होती जाएंगी। तो मॉर्निंग में सूर्योदय से पहले आप उठे, उससे ऑटोमेटिकली आपके बॉडी के जो पॉजिटिव बायोकेमिकल्स है वो सिक्रीट होंगे, और आप जो है वो एनर्जाइज रहेंगे पूरा दिन। फिर पूरा दिन में आपको मनचर्या पर ध्यान रखना है, आप ये देखें कि इनपुट कभी भी नेगेटिव ना हो, किसी के साथ नेगेटिव मनन चिंतन ना करें। आप नेगेटिव मनन चिंतन हमसे एक दिन में नहीं छूटता, इसका आधार भी ज्ञान ही है। जब भी हम लोग नकारात्मक किसी के बारे में डिस्कस करते, जैसे हमारे जीवन में किसी ने कुछ किया, जैसे मेरे जीवन में बहुत सारे पेपर आते, तो मैं उसको शुरू शुरू में डिस्कस करती थी, क्योंकि मुझे चिड़चिड़ाहट होती थी कि ये लोग गलत कर रहे हैं मेरे साथ, सबके साथ, लेकिन कोई भी उसमें भागीदारी नहीं बनता था, उसको सुनता नहीं था, क्योंकि सबको अपनी अपनी पड़ी है, हम समाज में रहते हैं, हम किसी से बिगाड़ नहीं सकते, इवन मेरे घर परिवार के लोग भी मुझे साथ नहीं देते थे, तो वो लोग भी कहते कोई बात नहीं, ऐसा कहा जाता है, ये लोग ऐसे ही होते हैं, ये समाज का नियम है, एक जो सिंगल लेडी है उसके साथ ऐसा ही होता है, अब आप सहन करो इसको, सहन करो। लेकिन वो सहन होता नहीं था, तो सहन कैसे हुआ, सहन शक्ति कैसे बढ़ी, मुझ बाबा का ज्ञान कि बच्चे जो तुम्हें आ रहा है तुमने कहीं दिया है, बिना कहते हैं ना उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, यानी कि
उसकी मर्जी के अकॉर्डिंगली यदि हम लोग चले हो तो हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, लेकिन हम कहीं ना कहीं प्रभु की मर्जी के बिना चले, इसलिए वो सभी परिस्थितियां आपके जीवन में आ रही हैं। कहीं ना कहीं बहुत कट्टर रहे हैं हम लोग सामाजिक रीतियों में, अपने पदमान पोजिशन को बचाने के लिए या कुछ भी करने के लिए हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बॉडी कॉन्शियसनेस में रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो सब आत्माएं अब किसी ना किसी रूप में हमारे आगे पीछे हैं और वो चीजें आ रही है। और देखिए, जब मैं बाबा के साथ योग लगाती थी उस समय, तो बाबा खुद मुझे प्रैक्टिस करवाते थे। देखिए, परमात्मा की मुझ पर इतनी अनुकंपा थी, शायद भक्ति अच्छी थी, कि बाबा मुझे टचिंग दे देते थे कि इस आत्मा को ऐसे बोलो। जैसे मुझे अपनी ही फैमिली से बहुत पेपर आता था, मेरी मदर लॉ से, तो बाबा मुझे बोलते थे इसको गुड वाइब्रेशन दो, कि इसका भला हो, इसका कल्याण हो, इसके जीवन में सुख शांति हो, ये आत्मा शांत हो जाए। लेकिन मेरे मन में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी उस आत्मा के लिए ना, तो मुझसे ये नहीं हो पाता था। तो फिर मैंने सबकॉन्शियस माइंड का वो योग का प्रयोग किया। मैंने फिर बार 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 इस चीज को मैंने चर्न किया कि नहीं, जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ माई ओन कर्म, पीछे से आए, अब मुझे इन्हीं चीज को पार करना है इसे। तो उनको मैं गुड वाइब्रेशन देती रही। 4 मंथ्स मुझे लगे इस चीज को इनकलकेट करने के लिए, कि मैं उस आत्मा को अपने जीवन में जो है वो स्थान दे पाऊं। तो मैंने काफी ज्यादा इसका संकल्पों का अभ्यास किया और पॉजिटिविटी को उनके प्रति बढ़ाया। किसी के प्रति जो मन में रिजेंटमेंट्स थी उनको भी मैंने कम किया। क्यों ऐसा करना जरूरी है? क्योंकि जितने आप नकारात्मक संकल्प करते हैं, आत्मा की शक्ति ड्रेन होती है। नेगेटिव सोचने से आप सोचते हैं, आप नेगेटिव सोच करके दूसरे को आप हार्म कर रहे हैं, आप वास्तव में उनको हार्म नहीं कर रहे, आप वास्तव में खुद को हार्म कर रहे हैं। कैसे? जो आप सोचते हैं पहले उनका इफेक्ट न्यूरॉन्स पर होता है। बहुत बहुत जरूरी है अपने न्यूरॉन्स को हेल्दी और बैलेंस रखना। मुझे इसको प्रैक्टिस करते करते 2 साल लगे, पूरी संकल्पों को जो है उस पर पकड़ बनाते बनाते, जिसके कारण लाइफ में बहुत सारे ट्रबल्स आए, जिसके कारण मुझे डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो गई। ज्ञान में ही थी, लेकिन अभी पूरी पॉजिटिविटी, जीवन के हर परिप्रेक्ष्य में मैं पॉजिटिव रह सकूं, ये इसका अभ्यास नहीं हुआ था। तो 2017 में मुझे डिमेंशिया की प्रॉब्लम। डिमेंशिया कैसे? मैंने देखा कि डिमेंशिया है। मैं पढ़ाने में काफी अच्छी थी, अपने स्टूडेंट्स को काफी सेटिस्फाई कर पाती थी, लेकिन घर परिवार की वो नोकझोंक के कारण क्या हो गया था कि मुझे मुझे भूलने लग पड़ा कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। जैसे क्लास में जब मैं जाती थी तो मैं डिक्टेट करवाना शुरू कर दी। डिक्टेट करवाना अर्थात बुक देखनी और उससे बच्चों को मैं लिखवा रही हूँ नोट्स, जैसे एक बहुत लोअर लेवल का जो टीचर है वो करता है, मतलब जिसने कुछ पढ़ा नहीं है और ऐसे सिफारिश से वो जॉब में आ गया है, तो वो व्यक्ति वो क्या करेगा, नोट्स बनाएगा और उनको बच्चों को डिक्टेट करवा देगा। तो मैं ऐसे करवा लूंगी। तो मुझे उस समय भी थोड़ा नेगेटिव आया कि क्यों हो रहा है मेरे साथ, मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने तो सिविल सर्विस क्वालिफाई किया और हर एक चीज की अंडरस्टैंडिंग मैं सबको पढ़ाती हूँ, मैं अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को क्यों नहीं पढ़ा पा रही। फिर से संकल्प शक्ति का प्रयोग। जीवन के हर परिप्रेक्ष्य में पॉजिटिव होना जरूरी है। तो मैंने जो अंदर मेरे अंदर वो जो जिसको कहते हैं कोई बात सुनता नहीं था, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी अपनी इमोशंस को, वो अंदर ही अंदर दबते दबते, एक जिस तरह कहते हैं ना, यदि हमारे पेट में कोई भोजन है और वो पचता नहीं तो गैस उत्पन्न होती है, वैसे ही जो विचारों की गैस है, इन इसी विचारों की गैस से आपको स्ट्रेस होता है। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज नथिंग बट एक तरह की गैस है जो आपके नेगेटिव चिंतन से डेवलप हुई है। क्योंकि जितना आप नेगेटिव सोचते जाते हैं, आपके न्यूरॉन फटीग होते जाते हैं, थकते जाते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव बायोकेमिकल्स नहीं, वो एंडोर्फिन नहीं, वो बेसिकली एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन स्ट्रेस हॉर्मोन्स की सिक्रेशन कर रहे हैं। तो स्ट्रेस हॉर्मोन्स की सिक्रेशन से आपकी बॉडी जो है वो उस हर एक रिदम उसका एसिलरेट हो जाता है। मुझे याद आता है कि मुझे अपने आप को धीमे से बिठाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता था, क्योंकि बहुत रोष था अंदर। युगल के जाने के बाद मेरे साथ जहां जहां इंजस्टिस हो रही थी और समाज में हर जगह इंजस्टिस हो रही थी, वो मैं हर जगह मैं किसी को, क्योंकि मेरी मदर नहीं थी कि मैं उसके साथ खोलूं इस बात को। मेरी मदर 2006 में शी हैड लेफ्ट द बॉडी, तो माई फादर वॉज ऑलरेडी इन डिप्रेशन बिकॉज उसी गाड़ी में मेरी छोटी सिस्टर भी थी एंड शी वो रिमेंड इन कोमा फॉर 2 ईयर्स एंड देन शी लेफ्ट द बॉडी इन 2014 जनवरी। तो ही वॉज अंडर डिप्रेशन, कंप्लीट डिप्रेशन माई फादर, बिकॉज ही वॉज वेरी बहुत कोमल आत्मा थी वो हृदय से, तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन। तो उनको मैं बता नहीं सकती थी कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है या मेरे को आसपास के लोगों से कैसी परिस्थितियां आ रही है, तो मैं बता नहीं पा, तो अंदर ही रह रहा था। और अंदर से कैसे निकाले, हमें कहा जाता है बाबा को बताओ, लेकिन जब आप बहुत नेगेटिव होते हैं तो बाबा को नहीं बता पाते, क्योंकि परमात्मा पर बुद्धि टिकेगी नहीं। आज पता चलता है क्यों नहीं परमात्मा पर बुद्धि टिकती है, क्योंकि परमात्मा बहुत हायर फ्रिक्वेंसी पर है। आपकी
बहुत लोअर वाइब्रेशन है, तो आप उस वाइब्रेशन के साथ मेल कैसे जोड़ेंगे? हालांकि वो आपके साथ ही है, लेकिन आप उसको पहचान नहीं पा रहे। तभी वो बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र खुला रहना चाहिए, तभी आप उसको जो है वो उसकी टचिंग को ले सकते हो। तो ज्ञान को पकड़ना ही सबसे पहला स्टेप है अपनी आंतरिक शक्तियों को उभारने का। तो मैंने फिर से संकल्प शक्ति के प्रयोग करना शुरू किए, भले मुझे बाहर कोई भी नहीं पहचान रहा है कि मैं सही हूं, कोई भी नहीं, इवन कि आप इमेजिन नहीं करेंगे, मेरे खुद के बच्चे मुझसे बिल्कुल टोटली अपोजिट होंगे, बिकॉज उनको उनका मन बचपन से यही किया कि अरे ये तो काम करने के लिए है, ऐसा ऐसा ऐसा। तो जब मैंने देखा कि मेरे खुद के बच्चे मेरे अगेंस्ट हो गए, तो व्हाई एम आई इन द लाइफ, आई शुड लीव दिस लाइफ एंड कम्प्लीटली सरेंडर माई सेल्फ टू द सेवा। तो मैंने ये भी ट्राई किया, लेकिन वो लोग जाने नहीं देते थे। बच्चों को कौन पालेगा, इनका वो कैसे करेंगे, भरण पोषण कौन करेगा, ये सब चीजें। लेकिन मैंने बाबा का साथ नहीं छोड़ा, मैं इस बात पर दृढ़ता बनाती गई। और एक बात और मुझे अनुभव से मतलब आती है, जितनी आपके जीवन में कठिनाई आती है ना, आप उतना ही परमात्मा की ओर जाते हैं। आपको कठिनाई असत्य की वजह से आ रही है, आपको सत्य की ओर मोड़ने के लिए कठिनाई आ रही है, इसलिए उन कठिनाइयों का धन्यवाद कीजिए। तो आज मैं थैंक्स करती हूँ कि आज मेरी जो ज्ञान की जितनी भी लेवल बढ़ा है इन 10 सालों में, 14 से लेकर के अभी तक, तो जितना भी लेवल बढ़ा है वो इसीलिए क्योंकि जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती गई और हर कठिनाई ने मुझे मजबूर किया कि मैं ज्ञान को जीवन में प्रयोग करूं। तो उससे मैंने अपनी पॉजिटिविटी के लेवल को बढ़ाया, मैंने सकाश का महत्व समझा, संकल्प शक्ति का महत्व समझा, मैंने अपने बच्चों को, आज मेरे बच्चे दोनों मेरे साथ हैं, बहुत अच्छे से बाबा को भी समझना शुरू कर गया। हालांकि उतना लेवल नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा को ब्रह्मा कुमारी इसमें जाना उनको अच्छा लगता है, जो कि टोटली अगेंस्ट थे इनके, क्योंकि सभी उनको पढ़ाते थे ये खुद तो सिंगल है, तुम्हें भी सिंगल कर देगी, तुम्हें मैरिज नहीं कर। मतलब मैं ऐसी सोसाइटी में रहती हूँ जहां पर लोगों का परिप्रेक्ष्य ऐसा, ज्यादा भक्ति नहीं है, परमात्मा या आत्मचिंतन की ओर जाना ये इसको समझा जाता है, ये दूसरी लाइन है, ये हम लोगों की लाइन नहीं है, वो गृहस्थी में अपने में मस्त रहते। तो जब ये सब चीजें घर में मैं क्लासेस करती, वो मेरी क्लासेस बंद करवा दी, तो वो इस तरह से कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देती है, बाबा बाबा करते रहते हैं, ऐसा ऐसा। तो इनसे सबसे अंदर बहुत रोष डेवेल्प होता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मैंने सब कुछ खुद किया, लेकिन फिर से जो है ये सब चीजें ये क्यों इसमें इंटरफेयर करते। तो वो लड़ते लड़ते, अंदर से लड़ते लड़ते, और कहीं पर उन उस नेगेटिविटी का जो है आउटफ्लो नहीं हो रहा था, कहाँ पर किसको बताऊं, कहाँ से सुनूं, तो ये सब चीजें नहीं हो रही थी। उसकी वजह से मुझे डिमेंशिया की प्रॉब्लम, मुझे भूलना शुरू हुआ। लेकिन फिर से मैंने संकल्प शक्ति को पकड़ा, आत्मचिंतन को और बढ़ाया, मैंने ये चीज सीखी कि आपकी पॉजिटिविटी सुबह से लेकर शाम तक, जो भी आत्मा आपको जो कुछ भी बोल रही है उसको आपको गुड विशेस ही देनी है, परमात्मा इसका भला हो, पिछले जन्म में मुझसे जो भी इसके प्रति कर्म हुआ है मैं क्षमा मांगती हूँ, और इस आत्मा का भला हो, कल्याण हो, ये भी सत्मार्ग की ओर आए। क्योंकि देखिए फिर उसके बाद मुझे क्या बाबा याद दिलवाते थे कि देखो जब जीसस क्राइस्ट जी को क्रूसीफाई किया गया तब भी उन्होंने दुआ की सबके लिए, जबकि वो कितनी बड़ी बात थी, सत्य फैलाते हुए उनको जो है सूली पर लटकाया गया, तब भी उन्होंने क्या कहा कि हे ईश्वर इनको क्षमा कीजिएगा क्योंकि इनको नहीं पता कि ये क्या कर रहे। तो यानी कि वो जीसस क्राइस्ट वॉज टोटली सोल कॉन्शियस, है ना। जब भी आप आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं आप कभी भी किसी के लिए नकारात्मक सोच ही नहीं सकते। जब भी हम लोग बॉडी कॉन्शियस है तो पॉजिटिव सोचना मुश्किल लगता है, तब काम क्रोध लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष निंदा झूठ चुगली आलस्य जैसे जो विकार हैं वो हमारी कॉन्शियसनेस में डेफिनेटली आएंगे। अब हमें विस्मृति से फिर स्मृति की ओर जाना है। बाबा आकर के सीधा ही तीर यहाँ लगाते हैं कि बच्चे अपने आप को आत्मा समझो और उसी तरह का चिंतन करना शुरू करो। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चिंतन बढ़ाया, उसी पॉजिटिव चिंतन से ये भी समझ आया कि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बायोलॉजिकल क्लॉक जब तक आपकी सेट नहीं होगी तब तक आपकी बॉडी में वो बायोकेमिकल्स, पॉजिटिव बायोकेमिकल्स सिक्रीट नहीं होंगे जिससे आपका शरीर खुलेगा नहीं। मेरा शरीर काफी अकड़ गया, मैं बहुत ज्यादा अकड़न हो जाती थी शरीर में, तो इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दी नेगेटिव ऑरा। जब भी आप फिर युगल के जाने के बाद मुझे थायराइड की प्रॉब्लम भी हुई, और दैट वॉज द फर्स्ट डिजीज जिसके साथ मुझे डील करना पड़ा। और मैं जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो ना अब इसके साथ तो लाइफ लॉन्ग चलना पड़ेगा, आप ये मेडिसिन खाते रहिए एवरीडे। तो जब मैंने ये चीज सोची कि अरे अब तो मुझे मेडिसिन के साथ जीना है, मतलब मैं तो बूढ़ी हो गई, 35-36 इयर्स के एज में मैं तो, मुझसे प्रॉब्लम हो गया। तो जब मैंने इसको फिर से करना, फिर मैंने संकल्पों का इफेक्ट जो है वो देखा कि जितनी आप पॉजिटिव रहते हैं आपकी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल पॉजिटिव सिक्रीट होते हैं,
उसकी वजह से आपके सारे सेल्स हेल्दी रहते, आपकी एजिंग भी कम होती है और आपकी बॉडी के अंदर जो है बायोकेमिकल्स जो है वो बहुत पॉजिटिव सिक्रेट होने के कारण आपकी बॉडी भी हेल्दी रहती है। कोई भी बीमारी है वो पहले आपके सूक्ष्म शरीर में, हम आत्मा है तो हम एक एनर्जी का शरीर साथ में लेकर के चल रहे हैं, आपके सूक्ष्म शरीर में एक गांठ बनती है, एनर्जी की गांठ। और देखिए ये गांठ एक दिन में नहीं बनती, कहा जाता है कि 80% जब तक आपकी सूक्ष्म शरीर की ब्लॉकेजेस नहीं होती तब तक आपको वो स्थूल में नहीं दिखता है, लेकिन जब 80% तक ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, उससे एक्सीड करने लगते हैं, वो धीरे धीरे आपके मतलब धीरे धीरे दिखना, वो टेस्ट में आना शुरू हो रहेगा। अदरवाइज आप पूरी साल जितनी बार आप बॉडी चेकअप करवाएं सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अगर आप मनसा आपकी नेगेटिव है तो आप कहेंगे कि आप हेल्दी है, नहीं, कहीं ना कहीं वो अंदर वो जो है डिजीज वो पनप रही है। तो कोई भी डिजीज है वो पहले सूक्ष्म शरीर में आती है फिर वो स्थूल शरीर में, क्योंकि हम आत्मा तो मूल वहीं से समझना है, पॉइंट से। तो मैं पॉइंट ऑफ लाइट जैसा जैसा सोचती जाती हूँ वैसा वैसा मेरा ऑरा बनता जाता है, सूक्ष्म शरीर बनता जाता है, उसी के अकॉर्डिंगली मेरा जो है ये स्थूल शरीर बनता जाता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है अपने आप को पॉजिटिव रखना, पॉजिटिव रखने के साथ साथ पॉजिटिव दिनचर्या और मनचर्या को सेट करना बहुत जरूरी है। रात को टाइम पर सोना और सुबह सूर्योदय से पहले उठना। फिर ऐसा करने के साथ साथ आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करें, क्योंकि जब भी हम लोग नेगेटिव ज्यादा सोच लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ऑक्सीजन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। जैसे ऑक्सीजन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है तो हमारा बॉडी का एनवायरमेंट एसिडिक हो जाता है। इसलिए योगा में या कहीं पे दिखाया जाता है आपको बॉडी को एल्कलीन रखना है, और एल्कलिनिटी बॉडी की बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, आपको वास्तव में रॉ वेजिटेबल्स फ्रूट्स ये ज्यादा खाने हैं, और आपको एल्कलाइन वाटर पीना है। इसलिए आज देखें बहुत सारी मशीनें ऐसे निकली हैं जिससे आपको पीएच के अकॉर्डिंगली जो है वो वाटर दिया जाता है। तो लेकिन ये एसिडिक कैसे हुआ हमारी बॉडी का केमिकल, बॉडी के बायोकेमिकल्स या बॉडी का एनवायरनमेंट, पीएच कैसे इम्बेलेंस हो, पीएच इम्बेलेंस कैसे होता है, फिर वही संकल्प थॉट्स। तो जितना आप नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते जाते हैं आपकी बॉडी का जो रिदमिक जो आपका ब्रीदिंग रिदम है वो भी चेंज होता है। आप ब्रीदिंग जो है वो डीपली क्यों नहीं ले पाते हैं या डीपली आप ब्रीद क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपका ऑरा ब्लॉक है। आप देखें जितने जो नेगेटिव सोचते हैं हम बड़ी फास्ट फास्ट ब्रीदिंग उस समय चलती है, हमारा हार्ट बीट भी तेज होता है। डिप्रेशन में यही होता है व्यक्ति को। आई वेंट टू डिप्रेशन फॉर 3-4 मंथ्स, देन आई स्टार्टेड कमिंग बैक इन टू माई ओरिजिनलिटी। तो फिर मेरे वो डिप्रेशन पिल्स वगैरह, इवन स्लीपिंग पिल्स भी मैंने बीच में ली है फॉर 2-3 मंथ्स, लेकिन जब मैंने इस चीज को समझना शुरू किया तो अब कुछ नहीं है, कोई थायराइड नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है। और मैं अपने अनुभवों के अनुसार और इस ज्ञान को समझती जा रही हूँ और सबको मैं बता रही हूँ इसके बारे में। एंड दिस इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज इन लाइफ, ऑल्दो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, बहुत कुछ आगे सीखने को बाकी है अभी, लेकिन यहाँ तक कैसे पहुंचू, कैसे अपने जीवन के उन उतार चढ़ावे में खुद को पॉजिटिव रही, और पॉजिटिव रहना ही वास्तव में अपनी आंतरिक शक्तियों को उभारना। तो जितना हम लोग नेगेटिव सोचते जाते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी के कारण आपकी बॉडी में एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाता है। जो आप में से साइंसेस वाले होंगे उनको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने के कारण हमारी बॉडी में कार्बोनिक एसिड बनता है, कार्बोनिक एसिड देन ब्रेक्स डाउन इनटू बाइकार्बोनेट आयंस एंड प्रोटॉन्स। और जितना प्रोटॉन का लेवल आपके ब्लड में बढ़ेगा आपका ब्लड जो है वो एसिडिक हो जाए। तो पीएच चेंज होने के कारण बहुत सारी बीमारियां जो है वो डिवेल्प होती है। तो पीएच को बैलेंस करना, फिर वो दिनचर्या को सेट करने से, पॉजिटिविटी को लाने से, दिनचर्या को सेट करने से, और साथ में डाइट, डाइट जो है आपकी मैक्सिमम डायरेक्ट फ्रॉम द नेचर होनी चाहिए, डायरेक्ट फ्रॉम द नेचर आपके प्लेट में आनी चाहिए। जितना आप प्रोसेस्ड फूड खाएंगे तब भी आपकी बॉडी की जो पॉजिटिविटी है, जो आपकी आंतरिक है मन, देखिए मन से शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहता है और शरीर के स्वास्थ्य ठीक रहने से मन ठीक रहता है। आप मन से पॉजिटिव हैं लेकिन आप शरीर का ध्यान नहीं रख रहे हैं, जो मन है वो खाते जा रहे हैं, है ना, और उसका बैलेंस नहीं रख रहे, तब भी आपका मन पॉजिटिव नहीं रहेगा क्योंकि शरीर खींचेगा फिर आपको। तो इन दोनों का बैलेंस हमें रखना है। हम पुण्य कर्म तभी कमा सकते हैं, देखिए कर्म की शुरुआत ही वास्तव में आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तब होती है। अगर आत्मा अलग है तो कर्म नहीं बनता, लेकिन आत्मा शरीर में है तो कर्म बन रहा है। तो हमें पुण्य कर्मों की पूंजी बढ़ाने के लिए इन सब चीजों का बैलेंस करना शुरू जरूरी है। और आप पीएच को बैलेंस करने के लिए अपने जीवन में जितना हो सके रॉ जो है वो भोजन लाएं, जितना हो सके प्लांट बेस्ड भोजन लाएं, जितना हो सके वाटर रिच भोजन लाएं, और जितना हो सके डायरेक्ट फ्रॉम नेचर, वहां से जो आ रहा है वो
जो है उसको आप ज्यादा खाएं, प्रोसेस्ड फूड आप ना खाएं, तो इससे भी आपकी जो आंतरिक शक्तियां हैं वो जो है वो बढ़ जाए। तो इन शॉर्ट आई विल से, अपनी मनचर्या को चेंज करें, अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाएं, अपनी डे रूटीन को सेट करें, और अपने जो है लाइफस्टाइल है उसको चेंज करें, और डेल्टा स्लीप जरूर लें। डेल्टा स्लीप के मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करके बताऊंगी। स्लीप साइकिल में यदि आप 20 मिनट्स की डेल्टा स्लीप लेते हैं तो वास्तव में 4 घंटे की आपके काम करने की कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो 4 घंटे आप बिना थके काम कर सकते हैं। लेकिन कहते मतलब अगर आप 9-10 से लेकर के सुबह के 4 बजे तक अगर आपने 3 साइकिल्स पूरे किए, एक एक 1.5 से 2 घंटे का ये साइकिल होता है, अगर उसमें आपने 3 घंटे पूरे किए तो समझ लीजिए आपने 16 घंटे की जो है, 12 घंटे की जो है काम करने की कैपेसिटी जो है वो बढ़ा ली बिना थके। लेकिन आपकी डेल्टा स्लीप भी अफेक्ट होती है आपके थिंकिंग पैटर्न से। पूरा दिन में आप कैसा सोचते हैं इससे आपका डेल्टा स्लीप जो है वो इफेक्ट होता है। जैसे आज लोगों को बड़ी शैलो नींद आती है, मतलब गहरी नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही है गहरी नींद? क्योंकि पूरा दिन उन्होंने बहुत ज्यादा नेगेटिव इनपुट किया है, सुना है, सोचा है, देखा है। आज मीडिया से हर जगह से हमें नेगेटिव ही मिल रहा है, यहाँ ये हो गया, वहां ये हो गया, घर परिवार में, मोहल्ले में, हर जगह पर नेगेटिव चिंतन। तो जितना भी नेगेटिव चिंतन अंदर डालते जाते हैं, और आपको पता है जो हम लोग जैसा हम भोजन खाते हैं वैसा हमारा शरीर होता है, वैसे ही जितना जैसा जैसा हम चिंतन अंदर डालते जाते हैं नॉलेज, वैसा ही हमारा चिंतन चलता है। हमारे थॉट्स का बेसिस ही है क्या हम इनपुट डाल रहे हैं, क्या हम लोग अंदर अपने जो है मन में डाल रहे हैं, वही धीरे धीरे फिर हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बनता जाता है। इसलिए आपको पूरे दिन में पॉजिटिव तो सोचना है, लेकिन पॉजिटिव सोचने से पहले इनपुट पर ध्यान देना कि पूरे दिन में हम लोग क्या देख रहे हैं, टीवी, मोबाइल, यहां से हम लोग क्या इनपुट डाल रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको ये सब चीजें जो है वो ध्यान में रखनी है। अच्छा, डेल्टा स्लीप कैसे नेगेटिव थॉट्स से जो है वो अफेक्ट होती है? जैसे यदि पूरा दिन में आपने अपने थॉट्स पर ध्यान नहीं रखा, इनपुट पर ध्यान नहीं रखा और मनन चिंतन पर ध्यान नहीं रखा, तो रात को आपका डेल्टा स्लीप का जो ये साइकिल है जो 1 से 1.5 या 2 घंटे का होता है, ये शॉर्ट हो जाता है, ये बहुत छोटा रहता है। जितनी डेल्टा 20 मिनट्स की होती है मैक्सिमम, जितनी ये कम होती जाएगी तो उससे क्या होगा, जितनी डेल्टा स्लीप उतनी आपकी चार्जिंग कम होगी। हम नेचुरली जो सोल कॉन्शियस होते हैं और हम यूनिवर्सल सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ जाते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं, परमात्मा शक्ति से, वो नहीं होगा, वो शॉर्ट होता जाएगा। इसीलिए आज मैक्सिमम लोग सुबह थके थके उठते, उनको नींद से भी फ्रेशनेस नहीं आती। क्यों नहीं आती फ्रेशनेस? पूरा दिन क्या अंदर डाल रहे? तो आप जो पूरा दिन सोच रहे हैं उससे वास्तव में आपकी मन की पाचन शक्ति खराब हो रही। तो पूरा दिन में इसीलिए बाबा क्या करते हैं, मनन चिंतन करते रहो। जैसे दादी जान की हमारे 20-22 बार दिन में मुरली पड़ती थी, हालांकि अभी मैं अभी इतना नहीं कर पाती हूँ क्योंकि हम लोग, लेकिन लक्ष्य तो है, पूरा दिन ज्ञान का चिंतन करते हैं, भले 6 घंटे हम लोग जॉब में रहते हैं, लेकिन फिर भी वहां पर भी जब भी समय मिलता है इस ज्ञान को सुनते हैं, किसी कलीग्स के साथ उनके साथ भी इसको डिस्कस करते हैं। किसी का भी नेगेटिव सुनना नहीं, अगर सुन भी रहे तो सुनते भी नहीं सुनना है, देखते भी नहीं देखना है, क्योंकि वो उस आत्मा के कर्मों का हिसाब किताब है। अगर आप उनमें फंस गए तो वो आपके कर्मों को इफेक्ट करना शुरू कर देगा। तो पूरे दिन में पॉजिटिविटी का इनपुट बढ़ाएं, पूरे दिन में पॉजिटिविटी का मनन चिंतन करें, शाम को 7 बजे से पहले पहले भोजन कंप्लीट करके 9 और 10 के बीच में सो जाएं, सुबह ऑटोमेटिकली अमृत वेला उठे, उठते भी आपका पॉजिटिव चिंतन ही चलेगा। पहले तो ड्रीम लेस आपकी नींद होनी चाहिए, कोई सपना नहीं, नो कोई सपना, नो ड्रीम। जब कोई सपना नहीं आएगा इसका मतलब आत्मा बहुत रेस्ट में गई, यही रेस्ट है आत्मा की, ठीक है ना। और एक्सरसाइज है मेडिटेशन, ठीक है। फिर सुबह जब हम उठते हैं तो परमात्मा को याद करें, बाबा को याद करें। देखिए शुरू शुरू मेरा बीज रूप स्थिति में टिकना मुश्किल, अभी भी कई बार मुश्किल होता है बीज रूप स्थिति में, लेकिन सुबह उठते ही यदि आपने पॉजिटिव मनन चिंतन कुछ स्टार्ट कर दिया और बाबा को, बाबा के फोटो से आपने रूहानी की, बाबा को देखा, अगर आपको पूरी किरणें, मुझे शुरू शुरू में पूरी किरणें विजुलाइज नहीं होती थी कि मैं परमात्मा की किरणें अपने ऊपर ले रही हूँ, इस तरह से मैं विजुलाइज नहीं कर पाती थी, लेकिन उसको भी मैंने समझा कि क्यों नहीं हो रहा है। जितनी नेगेटिविटी बढ़ती है उतना ही हमारा बुद्धि रूपी नेत्र ब्लर होता जाता है। बुद्धि स्पष्ट, स्पष्ट बुद्धि कहते हैं ना, स्पष्ट बुद्धि वही होती है जो पवित्र बुद्धि होती है। पवित्र बुद्धि कैसे बनती है? पवित्र संकल्पों से ही पवित्र बुद्धि बनती है, और पवित्र संकल्प ज्ञान। जितना सोल कॉन्शियसनेस में टिकेंगे उतना ही हमारा बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र बढ़ता जाता है। इसका भी साइंस है,
जैसे जैसे आप पॉजिटिव सोचते जाते हैं आपका विजुअलाइजेशन पावर बढ़ना शुरू हो जाता है। शुरू शुरू में जब मुझे बोला जाता था या मैं सीखती थी कि ऐसे ऐसे विजुअलाइज करो, तो मैंने बोला मुझे तो बाबा नहीं दिखता है, मुझे तो कोई विजुअलाइजेशन नहीं होता, विजुअलाइजेशन करना मुश्किल होता है। क्यों विजुअलाइज? अभी हमारी उस समय बुद्धि कैसे होती है? स्थूल। जितना जितना आत्मा, क्योंकि मन बुद्धि आत्मा का ही पार्ट है, जितना जितना आत्मा स्थूल में जाएगी उतना उतना उसका बुद्धि रूपी नेत्र ब्लॉक होता जाता और फिर उसकी निर्णय शक्ति खराब होती जाती, क्योंकि बुद्धि तो बेसिकली आत्मा का दिल है ना। बाबा बोलते हैं मुझे दिल में रखो, तो दिल कहाँ? ये जो स्थूल दिल है उसमें थोड़ी रखना, वो तो पंपिंग कर रहा है, दैट इज सर्कुलेटरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ब्लड सर्कुलेटरी ऑर्गन। बुद्धि, बाबा का दिल कौन सा? बुद्धि। तो बुद्धि में रखने के लिए अब वो स्वच्छ होना चाहिए, तभी बाबा टिकेगा, अदरवाइज तो ज्ञान समझ नहीं आता। क्यों नहीं समझ आता है? क्योंकि वो बहुत हायर फ्रिक्वेंसी, हायर वाइब्रेशन की बात है। तो उसके लिए करने के लिए स्टार्ट करना है, धीरे 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 अपनी नेचर को पॉजिटिव बनाना है, कंप्लीटली पॉजिटिव बनाने के लिए पूरा दिन पॉजिटिव मनन चिंतन करना है, रात को समय पर सोना है, समय पर भोजन कंप्लीट करना है, लाइट भोजन लेना है, सुबह उठते फिर से वही मनन चिंतन शुरू कर देना है। इस तरह से यदि हम पूरे दिन में ध्यान रखें, इसलिए ट्रैफिक कंट्रोल करवाते हैं ब्रह्मा कुमारी में। ट्रैफिक कंट्रोल का क्या मतलब? पूरे दिन में बहुत थॉट्स चल रहे हैं, काम के थॉट्स, ये आया वो आया इसके थॉट्स, लेकिन जब हम ट्रैफिक कंट्रोल में रहते हैं तो हम बेसिकली एक मिनट के लिए माइंड को साइलेंस करते हैं। माइंड को साइलेंस करने से क्या होता है? वो जो कॉन्शियस माइंड में जो चीजें चली वो सब कॉन्शियस में सेटल डाउन होना शुरू हो जाती है। अगर आपने पूरा दिन में वो ट्रैफिक कंट्रोल नहीं किया या आप नहीं टिके, आपने ध्यान नहीं दिया अपने मन की तरफ, तो ये काम फिर वो रात को करेगा मन। जब आप सोएंगे ना तो वो मैक्सिमम समय लगाएगा उन फाइल्स को अरेंज करने के लिए, जो भी आपने सोचा है उन फाइल्स को अरेंज करने के लिए वो मैक्सिमम समय लगाएगा, जिससे डेल्टा स्लीप शॉर्ट हो जाएगी। डेल्टा स्लीप शॉर्ट होगी तो आपकी नेचुरल चार्जिंग नहीं होगी, नेचुरल चार्जिंग नहीं होगी तो आंतरिक शक्तियां इमर्ज नहीं होगी, मतलब सोल पावर इमर्ज नहीं होगी। सोल पावर इमर्ज नहीं होगी तो आप बहुत ही लेस, लो कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आप कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे जो भी आपको, और अब थकान होगी। थकान वास्तव में आपका, देखिए आज हमारा शारीरिक वर्क कितना नहीं है, सारा मैक्सिमम क्या है? मेंटल वर्क है। लेकिन वो मेंटल वर्क भी हम आज पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि मन, जो माइंड से हम लोग क्या है, फेटीग्ड है, थके हुए। वो थकान को पूरा करने के लिए संकल्पों को स्लो करना जरूरी है, और संकल्प स्लो तभी होंगे जब आप पॉजिटिव होंगे। नेगेटिविटी वाला व्यक्ति कभी भी स्लो थॉट्स में नहीं टिक सकता, उसके थॉट्स स्लो नहीं होते। तो सबसे पहला स्टेप को पकड़ना बहुत जरूरी है, मनन चिंतन। मनन चिंतन से पहले पहले क्या है, इनपुट पॉजिटिव, पॉजिटिव इनपुट, मनन चिंतन, अच्छी दिनचर्या मनचर्या, और रात को टाइम पर सो जाना, बाबा को याद रखना, साथ साथ में पूरे दिन में जहां पर भी कुछ भी आए क्षमा करें, क्षमा दे दें, क्योंकि हमें खुद को इम्प्रूव करना है, अपनी आंतरिक शक्तियों को वेस्ट नहीं करना है, इसलिए क्षमा दे दें। जिसने बुरा किया उसका भला हो, कल्याण हो। कहते हैं बदला मत लीजिए, कर्म को काम करने दीजिए, क्योंकि कर्म से कोई भी छूट नहीं सकता, इसलिए बदला नहीं लेना। मुझ में बहुत था ये रिवेंजफुल एटीट्यूड, बहुत ज्यादा, बहुत क्रोध आता था, बहुत क्रोध। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान को पकड़ा, ज्ञान को समझा, संकल्प, मेरे मेरे थॉट्स स्लो ही नहीं हो पाते थे, मतलब मुझे रोकना पड़ता था अपने थॉट्स को, वेरी फास्ट एक्टिविटीज, बहुत फास्ट होती थी, तो उनको धीरे 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 थॉट्स को, मुझे कम से कम 2-2.5 साल लगे इस चीज को प्रैक्टिस करने में, क्योंकि बहुत झुंझलाहट थी लाइफ में, बहुत अंदर से, बहुत ये इनकी वजह से हो रहा है, वैसा हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। बाबा ने बताया नहीं, यू आर द रीजन, नोबडी इज द रीजन। ठीक है, तो इस तरह से अब हमें ज्ञान है, हमें परमात्मा का साथ है, तो हम अपने जीवन में सब कुछ कर सकते हैं जो हमें चाहिए, लेकिन उसके लिए विधि से ही सिद्धि होगी। तो विधि है अपने व्यक्तित्व को बदलना, व्यक्तित्व को बदलने के लिए पॉजिटिव लाइफस्टाइल और पॉजिटिव सोच को डेवलप करना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे इसको जैसे जीवन का पार्ट बनाते जाएंगे, आंतरिक शक्तियां इमर्ज होती जाएंगी। थैंक यू सो मच, ओम शांति। ओम शांति। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है कि रात को जैसे नींद नहीं आती है, तो उसके लिए क्या उपाय है कि जल्दी नींद आ जाए? नींद क्यों नहीं आ रही है? देखो, एक्चुअली नींद के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, दैट इज कॉल्ड एज मेलाटोनिन। मेलाटोनिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट?
और मिलेटोनिन से हमारी बॉडी के जितने भी जो केमिकल्स हैं वो बेसिकली ग्रोथ हार्मोन्स बेसिकली सिक्रीट होते हैं। मिलेटोनिन आगे जाकर के बहुत सारे केमिकल बायोकेमिकल ऑर्केस्ट्रा को इन्फ्लुएंस करता है। तो दो हार्मोन बेसिकली बॉडी में है, मिलेटोनिन और सिरेटोनिन। जितना हम लोग टाइम पर सोते हैं, जैसे रात को 9 और 10 के बीच में हम लोग सोते हैं, तो मेलेटोनिन का सिक्रीशन अच्छा होता है। कहते हैं ये रात के 10 से सुबह के 6 बजे तक ही इसकी सिक्रीशन है, 5 बजे तक मतलब सूर्योदय से पहले पहले तक इसकी सिक्रीशन होती है। दिन में आप जितना मर्जी सो लें आपको नहीं होगा बेसिकली। इसीलिए साइंस में भी बताया जाता है कि जो मेलेटोनिन की सिक्रीशन के लिए डार्क एनवायरमेंट चाहिए, डार्क में इसकी सिक्रीशन होती है, साइंस ऐसा कह रही है। तो वो इसीलिए इसका मतलब रात को जल्दी सोना हमारे लिए जरूरी है। क्या है, बॉडी में जैसे मेलाटोनिन कम हो जाता है तो हमारी बॉडी में एक और हार्मोन होता है, मतलब देखो चलाने के लिए कुदरत ने एक और चीज दी है, एक और बायोकेमिकल दैट्स कॉल्ड सीरोटोनिन। तो बॉडी सीरोटोनिन को कन्वर्ट करती जाती है मेलाटोनिन, ठीक है। तो उससे क्या होता है, सीरोटोनिन का लेवल बॉडी में कम होना शुरू हो जाता है। और जब बहुत, क्योंकि वो कन्वर्ट हो रहा है दूसरे में, वो खुद का काम नहीं कर पा रहा, खुद को ये जो हमारे जितने थॉट्स की प्रोसेसिंग वगैरह है इसको करने में सेरोटोनिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल। दैट दैट विल एक्चुअली यू विल फील गुड विद द गुड लेवल ऑफ सेरोटोनिन इन द बॉडी। तो क्योंकि वो मेलाटोनिन में कन्वर्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि हम सही समय पर सो नहीं रहे हैं। तो अब उस सेरोटोनिन की कमी से ही व्यक्ति को रात को नींद नहीं आती, डिप्रेशन रहना या बहुत एंग्जाइटी होना, ये बेसिकली इन्हीं दो जो बायोकेमिकल्स है इनका पूरा एक साइकिल है, वो फिर कभी किस दिन डिस्कस करेंगे, उसकी वजह से ये इम्बेलेंस हो रहा है। तो रात को नींद आपको इसीलिए नहीं आ रही क्योंकि पूरा दिन को आपको शुरू से रीसेट करना, आपको सुबह से लेकर के धीरे 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 अपने आप को पॉजिटिविटी की ओर मोड़ना पड़ेगा। आप स्टार्टिंग से देखें अपने आप को कि मुझे कहाँ पर नेगेटिविटी ज्यादा आ रही, क्या मेरी थॉट्स चल रही। जितने आपके नेगेटिव थॉट्स ज्यादा चलेंगे दिन में, आपका रात का जो स्लीप साइकिल है वो इससे इफेक्ट होगा। तो पूरे दिन में इसीलिए बाबा में बोलते हैं कि बार बार आप मनन चिंतन जो है वो पॉजिटिविटी का करें, अपने आप को आत्मा समझे। मैं तो क्या करती हूँ, कभी बार अपने आप को छोड़ देती हूँ और ये सब ड्रामा चले, सब नाटक है, मैं कभी नहीं करता, मेरा इसमें सिर्फ जो रोल है मुझे वही यथाशक्ति देना है, इसके अलावा कुछ नहीं। जो कोई कुछ भी कर रहा है सही कर रहा है, मुझे प्यार से उसको समझाना है। जितना मेरा, जैसे मेरे बच्चे हैं टीनेजर्स हैं, उनके अपने दुनिया में है, मोबाइल है, ये है वो है, अपना वो है, उनका अपना एक व्यक्तित्व बन रहा है, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से उनको इनपुट क्या पॉजिटिविटी का। और जब लगता है कि अभी आउट ऑफ मेरी रेंज से बाहर जा रहे, तो मैं अपने आप को डिटैच कर लेती कि लेट द चाइल्ड लर्न थ्रू हिज ओन एक्सपीरियंसेस। तो अपने आप को डिटैच करना हमें सिचुएशन से आना चाहिए। जितना हम खुद को सिचुएशन से डिटैच करेंगे, बहुत सारे वेस्ट और नेगेटिव थॉट्स से हम फ्री हो जाते हैं। जितना वेस्ट और नेगेटिव थॉट्स से हम फ्री होंगे, अपने आप आपको 9 और 10 के बीच में नींद आना शुरू हो जाएगी। नींद इसीलिए आपको नहीं आ रही है क्योंकि पूरा दिन अभी नेगेटिविटी का बोझ ज्यादा है, वो अंदर ऑलरेडी जो आपने आपने अंदर ऑलरेडी भर चुका है ना। देखिए ऑटोमेटिकली हमारी प्रोग्रामिंग होती रहती है, ठीक है। तो आपकी जो भी अंदर अभी नेगेटिविटी की नेगेटिविटी ज्यादा हो गई है, उसको आप ठीक करने के लिए अब आप पॉजिटिविटी बढ़ाते चले, बढ़ाते चले, बढ़ाते चले, आप अपने आप साइलेंट होना शुरू हो जाएंगे। 9 और 10 के बीच में आपको लगे मेरे पास बहुत समय है, जब नेगेटिव होते तो हमें, मुझे लगे 24 घंटे में लगता था अरे समय ही नहीं है। जैसे अगर किसी और को बोलिए अभी हम मेडिटेशन की ओर आने के लिए, हम कहते हैं अरे समय नहीं है बहन जी, कहाँ 10 समय 10 मिनट भी निकाले। क्यों, नेगेटिव चिंतन बहुत चलता है उनका, इसीलिए रात को नींद नहीं आती। तो देखो हम मूल रूप से आत्मा है और आत्मा का मूल जो है भोजन है वो है संकल्प, थॉट्स। तो थॉट्स पर सबसे ज्यादा ध्यान देना, सब कुछ छोड़ दीजिए। आप पूरे दिन में ये याद रखिए कि मेरा इनपुट नेगेटिव ना जाए और मेरा आउटपुट भी नेगेटिव ना आए। अगर आए भी स्टॉप करना है, एक दिन में तो नहीं बदलता कुछ, स्टॉप करना है, चेंज करना है उसको, पॉजिटिव थॉट से चेंज करना। इस चीज में दुआएं देना, क्षमा करना और क्षमा मांगना, ये बहुत मदद कर, जितना जितना पॉजिटिविटी आपकी बढ़ती जाएगी आपको रात को डेफिनेटली नींद आएगी, बिकॉज आई एम गॉन थ्रू ऑल दिस थिंग्स, ये सब ठीक हो जाएगा। Didi, I have one question for you. जी It's beautifully you said it so well. I really appreciate. Thank you, thank you, thank you so, so much. And whatever it was your life, it seems like I'm living my own life. I have gone through the same situation, but now
what is happening anytime I sit down for meditation, or anytime if during the daytime or during the prayers or anything. And in 10 to 15 minutes, I just go on falling asleep after sleep after sleep. Doesn't matter what I'm doing and what I'm not doing. The moment I sit down, I just fall asleep. And it's just like 5 minutes, 10 minutes, 7 minutes. And I cannot just feel like I am with the all power mighty. And that's what my connection where I want to do it. And it just doesn't become one-to-one. Okay. So I don't know why that is happening. It's my physically I'm not, or mentally I'm not, but when I'm rested, I just fall asleep. Doesn't matter what time of the hour it is, but the night sleep is beautiful. I don't want to get up in the morning by 7 o'clock even. I'm sorry. But... No, you try to get up before sunrise. I know, I'm trying my best. I told you endorphin secretion is only at that time. See, yeah, but if you want to get the positive biochemicals in your body, you have to get up before sunrise. Yes, that's true. I agree. All these years I was, but since last few months, I just cannot get up before 7 o'clock. Okay. Cannot. So I just wanted to know that why during the daytime I'm having a lot of naps. And I try to stand, I try to walk, I don't sit down at all. So right. Whenever I have to do Swadhyay, and which I do most of the time during the daytime, but like I try to keep myself awake and don't eat anything. I keep my stomach empty. Right. So what is the best solution? For isko hum Hindi mein bolenge Nidra Jeet. Nidra Jeet mujhe banna hai vastav mein, hai na? Yeah, we have to like win the sleeping. Yes. Sleep ko hume jeetna hai na? Haan, Nidra Jeet banne. Yes. So actually, according to my experience, how I basically keep on working whole day and then sleep only at night, that too between 9 and 10. Although at times I'm very much tired and do get onto bed by 7 or 7:30 or 8. But then I realize ki my sleep is only of 6 hours. Because if I go to sleep at 7 or 7:30 in the evening, then I get up by 1:30 or 2 okay, a.m. in the yeah. morning. So my sleep is only of that 5 to 6 hours. What helped me basically in all these things, my day routine and diet plan. I keep mostly myself, on plant-based diet. I do not take any animal-based, any product, not even milk or any cheese or something, nothing. I'm completely on the plant-based diet. So I think because we want to raise our vibration, because we want to raise our vibration, so we have to take high vibration diet. So the food which is natural, which is coming directly from the nature to your plate, that is actually more energetic. That will just called sattvic bhojan bolte. Hmm. That is really sattvic. Sattvic means energetic every time, not in the control of the senses. Rajasic means senses are trying to overpower you, and tamasic means you are completely below the sense organs, uske niche aap ho jayenge, je indriyon ke control mein aap jab ho jayenge, that is tamasic. Rajasic mana dheere dheere aapko aalasya aur ye sab cheeze hai na, fir ye aalasya vagera aapko aayega. So kindly focus on your diet. I think that plays a very very important role in your active lifestyle. If your diet is having more and more juices, more and more liquids, and then salads, fruits, that will automatically keep you more awakened. Even Sadhguru also speaks about bade bade yogiyon ko aap agar sunenge to they also speak about all these things ki diet affects your day routine, your like aapko neend ko yadi aapko jeetna hai to aapko ek bahut high energy bhojan lena zaruri hai na. To aap diet par focus kare aur day routine agar aapki badi achhi hai lekin aap morning mein late nahi uthenge, you get up by 5. Because if you get up after sunrise, then also biochemical secretions of the body is affected. And if your body is secreting negative, which we can say stress hormones, agar wo secrete kar rahi hai, then also body will feel fatigue.
है ना, स्ट्रेस में हम थकते क्यों है ज्यादा, बिकॉज बायोकेमिकल वैसे ही सिक्रीट हो रहे बॉडी में। तो अगर आप सूर्योदय के बाद तक सोते हैं तो आप एक्टिव फील नहीं करेंगे पूरा दिन में, क्योंकि आपकी बॉडी के जो बायोकेमिकल्स है दोज आर नॉट पॉजिटिव। सो फॉर पॉजिटिव बायोकेमिकल सिक्रीशन यू हैव टू गेट अप बिफोर सनराइज। सी, पशु पक्षी अपनी पूरी जिंदगी जी करके फिर ही मरते हैं, बशर्ते कि हम उनको जल्दी ना मारें, है ना, पोल्यूशन से तरह से, लेकिन अपनी पूरी जीवन एक ले करके जो है वो मरते हैं। वो क्यों? वो कभी भी अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ फिडल नहीं करते। लेकिन मनुष्य जितना जितना माया में फंसता जा रहा है, माया माना खुद को करके शरीर और शरीर को आराम देने वाली जितनी भी चीजों में हम लोग फंसते जाते हैं, दैट इज माया। उसमें जितना हम लोग फंसते जाते हैं, तो हम अपनी ओरिजिनल जो हमारा लाइफस्टाइल था, जो हमारी जितनी एज थी, उससे हम दूर होते जाते। तो इफ यू रियली विन ओवर योर स्लीप और दिस लिथार्जिकनेस, यू अकॉर्डिंग टू मी यू शुड इंकलकेट मोर एंड मोर प्लांट बेस्ड डाइट इनटू यू नो डाइट प्लान, एंड देन गेट अप बिफोर सनराइज, गेट अप, दैट इज मस्ट। Yeah, I